Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. खुदा उनकी उपस्थिति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग हरे राम जी, चंचल जी गुड मॉर्निंग, सचिन जी कौर, प्रेज द लॉर्ड, शैलेंद्र जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनील राणा जी, आशीष जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा पुराना जी प्रेज द लॉर्ड। आज की भोर के समय प्रभु आपको बहुत आशीष दे, हालेलुया। खुदा उनकी उपस्थिति में एक बार फिर से प्रभु ने मिलने का मौका दिया, सुनील कुमार जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो खुदा उनसे आप करते हैं, ओसम ग्रेस से करते हैं, और ओसम ग्रेस के साथ आप बने हुए हैं। सचमुच में प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी करुणा है कि उस करुणा के तहत हम जुड़े हुए हैं, हालेलुया। और प्रभु की महिमा हम करते हैं, हालेलुया। शेयरिंग करना शुरू करें, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सैमुएल मसीह जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके, सुन करके, हालेलुया। प्रियंका तिरके जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। रोहन जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Glory to God, hallelujah, thank you Lord, hallelujah। जी जरूर, आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमा राणा जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा करते जाएं और क्या करें, शेयरिंग करना शुरू करें। सिस्टर रेजिना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। और कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं आज, हालेलुया, क्योंकि हम बढ़ते जा रहे हैं प्रभु की ओर। और पिछले दिनों ये देखने में आया कि परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीषें दी हैं, बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े वरदानों से ब्लेस किया है, बड़े बड़े दर्शन मिले लोगों को, लोगों ने प्रभु को देखा, प्रभु को सुना, प्रभु ने उन्हें छुआ। बहुत सारे ऐसे काम थे जो असंभव लग रहे थे और वो संभव हो गए, हालेलुया। और सबसे ज़्यादा जिन्होंने प्रेम दिखाया प्रभु को ज़्यादा, और परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े काम किए, सबसे ज़्यादा आनंदित वो लोग हैं, हालेलुया। वो इसलिए आनंदित है कि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने उन्हें छुआ है, उनके उनके लिए अद्भुत काम किए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मगर परमेश्वर का काम, परमेश्वर वचन, हालेलुया। थैंक यू, आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। और कितने लोग ऐसे थे जो सुबह उठ ही नहीं पाते थे, मगर परमेश्वर ने उनकी दिनचर्या को अच्छा बना दिया है और अब उन्हें परमेश्वर से मोहब्बत हो गई है, हालेलुया। मोहब्बत हो गई है, खुदा से हमको मोहब्बत है, आमीन। और उस मोहब्बत ने बहुत ही बड़े बड़े काम कर दिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं चाहूँगा शेयरिंग करें अपने दोस्तों, मित्रों को, भाइयों को। और ये भी देखने में आता, बहुत सारे बहनों ने दूसरे लोगों को शेयर किया, भाइयों ने दूसरे लोगों को शेयर किया, उनकी कॉल्स, बहुत सारी कॉल्स आई और उनके जीवन में काम हुए। हमारी एक बहन है, उसकी गवाही में शेयर करना चाहूँगा। उसने क्या किया, किसी को नंबर शेयर कर दिया, उनकी छोटी सी बच्ची है और उसके पैर में एक घाव हुआ था, वो बीमार थी। वो डॉक्टर ने बोला था कि घाव सड़ता ही जा रहा है, पता नहीं क्या कारण था कि वो लड़की का घाव ठीक नहीं हो रहा था। और डॉक्टर ने बोला अब और कुछ नहीं हो सकता, इसका पैर काटना पड़ेगा। छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा नहीं, 6-7 साल की बच्ची है, और कह रहे पैर काटना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। बड़े दुख की बात थी उस परिवार के लिए। और उसका नाम किट्टू है लड़की का। और उसने, उस बहन ने उन्हें बताया कि यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारे भवन में कॉल कीजिए ओसम ग्रेस में, और हमारा परमेश्वर चंगा करेगा, वो आपसे भी प्यार करता है। सचमुच में उन्होंने विश्वास किया
और डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले ऑपरेशन कैंसिल हो गया, सबसे पहले ऑपरेशन कैंसिल हुआ। और अब उस बेटी का घाव सूखता जा रहा है, और खुदावंद ने उन प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारी आशीषें दी हैं और आज वो चंगी हो रही है। और डॉक्टर ने बोल दिया अब इसका पैर को कोई खतरा नहीं, अब कोई पैर काटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने हाथ उठा दिए थे कि इसका पैर कट जाएगा। मगर मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की प्रार्थनाएं, हम सब की प्रार्थनाएं, हमारी टीम की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच रही हैं, उत्तर आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके समय में, सही समय में जो परमेश्वर ने ठहराया, हमने भजन संहिता 91 तो बहुत बार पढ़ा होगा, और हर एक व्यक्ति इस बात का क्लेम करता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठ रहे हैं, और उसे रिपीट करते ताकि उसकी आशीष हमें मिल सके। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है कि उसके छाए हुए स्थान में बैठे, मगर उसके ठहराए हुए समय में बैठे वो भी एक बड़ी बात है। आमीन। उसका ठहरा स्थान, उसका ठहरा हुआ समय, उसका ठहरा हुआ समय क्या है? उसने कहा भोर को उठ करके मुझे पुकार। आमीन। और यही रीजन था कि आपकी और मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी, भोर को उठ करके जब हम पुकार रहे हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब जो लोग आनंदित है परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, जब आराधना हो तो आराधना करें, और जब प्रार्थना होती है तो प्रार्थना करें, और जब वचन की सेवकाई होती है तो वचन सुने, और जब प्रार्थना परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं उस समय होता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख सबमिट कर सकते हैं, ताकि उनके लिए परमेश्वर की जो रोशनी है, उसका जिस चेहरे की रोशनी उन पर पड़े और हमारी प्रार्थनाएं उसकी नज़रों में आए और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं सुन करके उत्तर दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। रब शख तेरे लब। हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। अपने मुंह को खोलें सब जन, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी परमेश्वर से बोलना शुरू करें, बात करना शुरू करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर परमेश्वर आशीष करेगा आपको। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बहुत सारे लोग वीडियो कॉल पर आ गए हैं, पर वीडियो कॉल बाद में ली जाएगी, अभी थोड़ा सा वचन और आराधना का समय है। और जितने लोग वीडियो कॉल पर आएंगे तो ज़रूर उनके साथ बात की जाएगी, परमेश्वर जो कहना चाहता है जरूर परमेश्वर कहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। शुक्रगुजारी करिए, शुक्रगुजारी करिए। हालेलुया। वो शुक्रगुजार हैं। प्रभु का शुक्रगुजार हो जाइए, परमेश्वर आपके जिंदगी को बदल के रख देंगे। परमेश्वर का जब धन्यवाद करने के लिए आएंगे, आप उसके उचित समय में आएंगे, ठहरे हुए समय में आएंगे, और परमेश्वर कहेंगे प्रभु मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए मगर आपके समय में चाहिए। हालेलुया। मुझे चाहिए भी जल्दी और आपके समय में चाहिए, और मैं इंतजार भी नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही फुर्ती है प्रभु, तो आप भी फुर्ती करें और मेरी प्रार्थनाओं को सुने। हालेलुया। और परमेश्वर कहे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन करके कान लगा ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया। रब शकतर लबा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, ओ धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जय कार करें।
यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। हाँ जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसकी सम्मुख आए। धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। वचन गाते हुए उसका जय जयकार करे। जितने लोग परमेश्वर का भजन गाते हुए उसके पास आते हैं सचमुच में आराधना करते हुए आते हैं। हालेलुया। और जब आराधना करते हुए आते हैं तो सबसे पसंदीदा समय परमेश्वर का कौन सा? शायद आप नहीं जानते, उस बात को जानने की जरूरत है। सबसे पसंदीदा उसका समय है कि जब लोग आराधना करते हैं। हालेलुया। देखिए वचन हमारे लिए होता है, प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं, मगर खुदा के लिए क्या है? खुदा के लिए उसका पसंदीदा होगा जब भोर को उठ करें प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया। और इन 40 दिन के उपवासों में, जितने 40 दिन के उपवासों में सम्मिलित थे, बड़े बड़े मिरेकल, बड़ी बड़ी गवाही आई थी। तो क्यों ना मुंह खोले धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। धन्यवाद करते हुए सैम उसके सम्मुख आए। वचन गाते हुए उसका जय जयकार करे। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। ओ आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। क्यों करें जय जयकार? हालेलुया। एक सवाल उठता है कि हम क्यों जय जयकार करें, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो जय जयकार के योग्य है। क्यों आराधना करें? वो आराधना के योग्य है। और कोई नहीं है, बाइबल में लिखा और कोई नहीं है जिसके लिए हम अपने घुटनों को ठिका सके। हालेलुया। और कोई नहीं है जिसके लिए अपने सरों को हम झुका सके। आमीन। हालेलुया। यस। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। क्यों मैं धन्यवाद करना? क्योंकि वो ऐसा प्रताप का पहनावा पहने हुए हैं। बाइबल में लिखा है वो लाल घोड़े पे कौन सवार आता है? कौन है वो लाल वस्त्र पहने हुए, वो श्वेत वस्त्र पहने कौन आता है? वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेमना, वो परमेश्वर का पुत्र जो जयवंत हुआ, जिसने अपने प्राण तो दे दिए और वो मृत्यु में गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा, और वो जयवंत हो चुका है और अपने लोगों के लिए राज्य करता है। इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग धन्यवाद करें और उसके राज्य में प्रवेश करें। क्यों करें? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे और कोई नाम ऐसा नहीं है जिसकी हम आराधना कर सके। क्योंकि यहोवा मिलके आहान ईश्वर है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। सारे देवता के ऊपर वो महान राजा है। सारे देवता के ऊपर वो महान राजा है। तो आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। हाँ जय
यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा है जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सिम हुआ ओ यहोवा चले और शक ना करें बल्कि रखे ईमान है मसीह मेरे साथ। क्या ईमान रखना कि मसीह हमारे साथ है। तेरे पीछे चले और शक ना करें, ये शक ना करें ये काम होगा नहीं होगा, अरे होगा डेफिनेटली होगा। हालेलुया। अगर मूसा ऐसा सोचता तो कभी भी लाल सागर पार नहीं करता। अगर मूसा ऐसा सोचता वो परमेश्वर को देख नहीं पाता, उसका उसका जो देखना था उसका जो सुनना था बिल्कुल अड़िग था, खड़ा हुआ था। हालेलुया। इसलिए वो यहोवा परमेश्वर है, वो महान है, सेनाओं का राजा है और वो राजाओं का राजा लश्करों का खुदा है। हालेलुया। और उसकी महिमा करो, बंधन टूटेंगे आपकी ज़िंदगी से। इन 40 दिनों में परमेश्वर ने दिखा दिया है कि आप जो नहीं कर सकते परमेश्वर ने वो किया है। हालेलुया। प्रेज़ वो राफा है, राफा चंगा करने वाला, वो निसी है, निसी झंडा है हमारी कौम का, झंडा ताकतवर है। हालेलुया। तो इसीलिए हम उसके वो राफा जो परमेश्वर जब उसके पास आएंगे वो चंगा करने वाला राफा है, हमें क्या करेंगे वो चंगा करेंगे। हालेलुया। बस उसके पीछे चले, शक ना करें, उसके पीछे चले और शक ना करें, उसके पीछे चले और शक ना करें बल्कि रखे ईमान है मसीह मेरे साथ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मसीह मेरे साथ है अभी? कितने लोग विश्वास करते हैं कि अभी जब आप गीत गा रहे हैं, अभी आराधना कर रहे हैं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। क्षमा करे, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, थोड़ा सूख रहा है गला बार बार, मालूम नहीं क्यों, मगर परमेश्वर इस बारे में भी शक्ति दे। हालेलुया। मसीह हमारे साथ है, मसीह मतलब मसाया, चुना हुआ परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपके थम दिखने चाहिए, आपकी खुशी जाहिर होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। ओ क्या बात, कितने प्यारे से दिल भेज रहे मेरे भाई बहन परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया। खुदा आपके दिलों को जांचे, आपकी 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 महिमा को ग्रहण करे, आपकी आराधना को ग्रहण करे, आपकी आराधना पर सिंहासन पर वो विराजमान हो। हालेलुया। उसके पीछे चले और शक ना करें, उसके पीछे चले और शक ना करें बल्कि रखे ईमान है मसीह मेरे साथ। उसके पीछे चले और शक ना करें, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेरे साथ। जो भी चाहे वो हो जाएगा। ओ यहोवा Yahuwah, 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 Yahuwah,
कहता है यहोयारी का मतलब इंतजाम करने वाला। हालेलुया। तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालोन जो तसल्ली देता है, तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है, तसल्ली देता है। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेरे साथ। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेरे साथ। आज शैतान झुक जाएगा, ओ यहोवा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा राफा है, चंगा है, चंगा करने वाला है, निसी है, शालोन है, तसल्ली देने वाला, एलोहिम परमेश्वर है, एबनेजर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर इतना महान है, उसके कितने नाम है। जितना भी आप उसे गुणगान करेंगे, उसकी प्रभुता आपके ऊपर प्रभुता करती चली जाएगी। हालेलुया, और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। और मेरा विश्वास है कि अब से लेकर के जो आपने पास रखे और उपासों के दिनों में जो सामर्थ को प्राप्त किया है, परमेश्वर से आपने वरदानों को प्राप्त किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आने वाले दिनों में आज से वो इस्तेमाल होना शुरू होगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह के 40 दिन के उपास पूरे हुए थे और कल आपने भी 40 दिन पूरे कर लिए हैं, तो यीशु ने काम करना शुरू किया। आज से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, जो आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई है, चाहे आपका घर का काम है, चाहे ऑफिस का काम है। और ये उनके लिए होगा जो विश्वास से रिसीव करेंगे कि जो पास्टर जी कह रहे हैं मेरे साथ यही होने वाला है। आमीन, हालेलुया। और उनके जीवन में बढ़ोतरी और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी देखेंगे। और जो सुसमाचार सुना रहे हैं, जिनको सुसमाचार का वरदान मिला, वो बढ़ता चला जाएगा। अब जिन्हें सेवकाई का वरदान मिला, वो बढ़ती चली जाएगी सेवकाई। जिन्हें दूसरों की सहायता करने का वरदान मिला, वो सहायता में बढ़ते चले जाएंगे। अलग अलग भिन्न भिन्न वरदान, भिन्न भिन्न तोड़े, जिन जिन को जो मिला है 40 दिनों में, वो बढ़ते ही चले जाएंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से नहीं है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है, ये उस परिश्रम का नतीजा है, ये उस परिश्रम का नतीजा जो आपने प्रभु में किया, यही है वो प्रभु में परिश्रम होना। भाई हरे राम मसीह सामने है, हरे राम रजाक मसीह। और उनका कहना था कि हम गवाही आई थी कैसे हम उपवास रखेंगे और कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, तो बीच में ऐसी स्थिति आई, मेरे पास उनकी गवाही पहुंची थी कि पास्टर जी और उपवास नहीं रखे जाएंगे, और बहुत कमज़ोर हो गए थे इन 40 दिनों में। मगर फिर से बूस्ट कर दिया गया, नहीं हरे राम आप रख सकते हैं, प्रभु आपके साथ है, आप कर सकते हैं। और 40 पूरे हो गए, हालेलुया। और आज हमारा उपवास नहीं है, मगर खुदा की खुशी हमारे साथ है कि हम उन 40 उपवासों को कर पाएँ और प्रभु की महिमा हो पाई है। और भाई जिनको लगता था हम दो भी नहीं रख पाते, वो दो नहीं 40 रख गए। कुछ लोग की गवाही आई है, ज़बरदस्त गवाही आई कि पास्टर जी हमें पता ही नहीं लगा कि कब से उपवास चले, जब आपके 10 उपवास निकल गए थे जब हमें पता लगा। और जिस दिन से हमें जुड़े हैं, जिस दिन से हमें संदेश पहुंचा है, हम उसी दिन से आपके साथ मिल करके लग गए और अब हमारे उपवास पूरे हुए। और हमने समस्याएं तो देखी थी, मगर आसानी से निकलते हुए भी देखा उनको, आसानी से वो चली गई। हालेलुया।
तो महान परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, सामर्थ्य भरा है, रक्षा की है। लोगों ने इन दिनों में स्वर्गदूतों को अपनी सेवा टहल करते हुए देखा, इन दिनों में लोगों ने अपने घरों में स्वर्गदूतों को देखा, इन दिनों में लोगों ने परमेश्वर के दास को अपने घरों में आते हुए देखा। हालेलुया, कई लोगों ने दर्शनों को शेयर किया कि परमेश्वर दास आप हमारे घर आए थे और परमेश्वर के दासों के रूप में स्वर्गदूत उनके घर आ गए, यीशु मसीह उनके घर आ गए, परमेश्वर उनके घर आया। हालेलुया, उनके सर पे हाथ फेरा, कई लोगों को सांत्वना दी, कई कैरेवास तो आप आए थे और आपने बोला कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है, ऐसे कर दो, बहुत सारे दर्शन मिले, मज़ा आ गया। हालेलुया, वहाँ यहाँ सुन के तो परमेश्वर कितना आनंद करने वाला है हमारा। हालेलुया, तो क्यों ना हम आनंद करें। हालेलुया, एक और गीत गाएंगे उसके बाद में वचन में जाएंगे। जो आनंद है उसको दुगना कर दीजिए, आमेन। क्या करता अपने पड़ोसी, अगर दो बैठे तीन बैठे तो बोलिए आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। क्या है आनंद? प्रभु की स्तुति में ही आनंद है। आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा विश्वास है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, सदा गाएंगे हालेलुया, सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे, बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बाइबल कहती ना, उसने हमें अधिकार दिया, हम पिता के साथ बैठेंगे तो हम बाप के साथ बैठ जाएंगे। हालेलुया, बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, सदा गाएंगे हालेलुया, सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। कैसे गाएंगे? आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आनंद के साथ भक्ति करिए। हालेलुया, जितने लोग सुन रहे हैं भक्ति कर दे कि परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में उतर पड़ेगा भाई। हालेलुया, कैसे करेंगे? आवाज उठाएंगे, हम अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। हालेलुया, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, बल्कि बेटा है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। तो क्या करेंगे? महिमा के तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
साज वे और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई सागर है तो उल्फत का दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई सागर है तो उल्फत का हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे लोलीन हो जाते थे हम भी लोलीन हो जाए हालेलुया हम साज बजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे कितने सुंदर घराने हैं आपके हालेलुया कितने सुंदर घराने हैं आपके कितने सुंदर देवड़ियां हैं आपके जिसमें सुबह आनंद होता है कितने सुंदर घराने सोचिए घरों में रोज सुबह बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में सुबह सुबह लड़ाइयाँ हो जाती हैं सुबह सुबह चिंताएं टेंशन ये करना वो करना और कितने सुंदर घर हैं आपके कि सुबह सुबह प्रभु की महिमा हो रही है हालेलुया तो दिन भर क्यों नहीं रहेगी शैतान तो भागा भागा फिरेगा दूर आपसे दूर हालेलुया हालेलुया ओ रीबा शाह अपने हृदय को खोलिए वो लोग वो कलीसियाएं वो पहली सबसे पहली कलीसिया लोलीन हो जाती थी इसलिए लोलीन हो जाओ शेयरिंग करने के बाद शेयरिंग कर दीजिए और उसके बाद लोलीन हो जाओ एक मन हो जाओ और पवित्र आत्मा से भर जाओ हालेलुया यीशु मसीह के नाम में उसकी उपस्थिति को उसकी प्रेजेंस को ले लो परमेश्वर वो परमेश्वर अपने घर आता है हालेलुया वो अपने लोगों में उसने कहा खुदावन अपने लोगों में आया है आकरों का मसा लेकर आया है हाँ वो आया है यीशु आया है खुदावन अपने लोगों में आया है यदि आप उसके लोग हैं तो परमेश्वर आपके जिंदगी में आ रहा है और पवित्र आत्मा को लेकर क्या है आपको अलग अलग वरदान अलग अलग चीज़ें उड़े लेगा और जैसे पिछले 40 दिन में मिला उससे बढ़कर और मसा बढ़ता चला जाएगा और आप भरते चले जाएंगे हालेलुया अपने मुंह से बोले खुदावन अपने लोगों में आया है बोलिए बोलिए देखो कितना अच्छा लगे बोलिए आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी हालेलुया बोलिए आंखें बंद करें खुदावन उसे आवाज़ लगे खुदावन अपने लोगों में आया है अपना हाथ उठा के पाकरू का मसा हर सुछाया है हर सु का मतलब है चारों तरफ
पाक रू का मसा हर सुछाया है, खुदावंद आया है, ओ यीशु आया है, खुदावंद मेरे घर में आया है। आगे कार करे, खुदावंद मेरे आंगनों में आया है, खुदावंद मेरे बच्चों में आया है, खुदावंद मेरे जीवन में आया है। देखेंगे आप, पाक रू का मसा हर जगह छाया है, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके लोगों में, हालेलुया, हर जगह। आप, मैं देख रहा हूँ कई लोगों के घरों में, वो देख रहे हैं, वो उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो गई, आपकी आंखें ज्योतिर्मय कर दिए परमेश्वर ने, और आप देख रहे हैं कि आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके फाइनेंस में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, हर जगह आप दूतों को चलते हुए देख रहे हैं। इसी समय देख रहे हैं आपकी आंखें, बहुत सारे लोग जो सच्चे मन से बैठे हुए हैं, हालेलुया, यही तो है, यही तो है उसकी प्रेजेंस, यही तो उसकी सामर्थ, यही है उसकी प्रभुता, हालेलुया, जो प्रभुता उसकी कांधे पर है, जहां वो चाहे वहां उड़ेल लेता है, जो लोग भूखे और प्यासे वहां पर उड़ेल लेता है, खुद को समर्पित करते, दोनों हाथों से परमेश्वर अपने आप को लौटा देता। हालेलुया, पाक रू का मसा हर सुछाया है, ओ यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। मिलके गाएंगे, खुदावन अपने लोगों में आया है, पाक रू का मसा मुझ पे छाया है। अपने ऊपर अंगीकार करें, ओ पाक रूह का मसा मुझ पर छाया है, खुदावंद आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। हालेलुया, ओ रू रुआ हमारे बीच में, रुहुआ हमारे बीच में रुहुआ, पुकारे प्रभु को, रुहुआ हमारे बीच में, यीशुआ 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 हमारे बीच में। हालेलुया, पाक रू का मसा हर सुछाया है, खुदावंद आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। अपने हाथों को उठा के, आंखों को बंद करके, अपने कमेंट्स बंद करके, आप अपने हाथों को, दोनों को उठा सकते हैं, अपने सीने पर हाथ रख सकते हैं, अपने दिलों को खोलिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा इस समय छूएंगे आपको। हालेलुया, खुदावन अपने लोगों में आया है, पाक रू का मसा हर सुछाया है, पाक रू पवित्र आत्मा, वो जुम्बिस करने वाला रूहानी सामर्थ, रूहानी आग इसी समय रिलीज हो रही है। हालेलुया, और जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारी में पड़े हैं, आज इसी समय प्रभु कह रहा है, मैं अपना हाथ उन पर बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अपना हाथ उन पर बढ़ाने जा रहा हूँ, मेरी चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे, वो लाइलाज बीमारियाँ आज चंगी होने जा रही हैं। हालेलुया, खुदावन यदि वो पुकारेंगे तो चंगाई उनके जीवन में आएगी, यदि वो विश्वास करेंगे वो अपनी दशाओं को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन मेरे घर में भी
आया है। पाक रूह का मसा हर सू छाया है, पाक रूह का मसा हर सू छाया है। बोलिए पाक रूह का मसा हर सू छाया है। खुदावंद आया है, खुदावंद आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने बेटों में आया है, खुदावंद अपनी बेटियों में आया है। पाक रूह का मसा मुझ पे छाया है, पाक रूह का मसा मुझ पे छाया है। खुदावंद आया है, खुदावंद आया है, खुदावंद मेरे घर में भी आया है। मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू प्यारे यीशु, मुझे छू मिल के आराधना करें प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, तेरे छूने से हाँ तेरे छूने से, तेरे छूने से हाँ तेरे छूने से, तेरे छूने से तेरे छूने से, तेरे छूने से हाँ तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, मेरे हालात बदल जाते हैं। बोलिए मेरे परमेश्वर तू अगर छूएगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी, परमेश्वर आपका हाथ मुझे छू लेगा प्रभु, ओ खुदावंद मैं चंगा हो जाऊंगा प्रभु, अगर आपका हाथ मुझे छू लेगा, आपके तरस मुझे छू लेगा तो मेरी दशाएं बदल जाएंगी, मेरे हालात, मेरा व्यापार, मेरे बच्चे, मैं खुद बदल जाऊंगा। हालेलुया, मगर तेरे छूने से, हालेलुया तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से यीशु, तेरे छूने से, तेरे छूने से रबा, तेरे छूने से डैडी, तेरे छूने से हाँ तेरे छूने से मेरे हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। खुदावंद तेरे आने से, खुदावंद तेरे छूने से, खुदावंद तेरे आने से, खुदावंद तेरे आने से छूले मुझे, यस छूले मुझे, यस छूले मुझे, यस छूले मुझे, यसु छूले मुझे, यसु छूले मुझे, यसु भर दे मुझे, तू भर दे मुझे, भर खुदा भर खुदा रू मुझे, भर भर मुझे, भर खुदा रू मुझे, भर भर मुझे, भर खुदा रू मुझे, भर तेरे भरने से,
तेरे छूने से, तेरे आने से, हाँ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे छूने से, तेरे भरने से, हाँ तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, मेरा जीवन बदल जाता है, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरा घर भी बदल रहा है, मेरे लोग बदल रहे हैं, मेरे काम बदल रहे हैं। खुदावन तेरे छूने से, खुदावन तेरे छूने से, हाँ खुदावन तेरे छूने से, खुदावन तेरे छूने से। तू यही से कह दे, तू कह दे केवल तेरे कहने से, हाँ तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, हाँ तेरे कहने से, वो बातें भी बन जाती हैं, वो बातें भी बन जाती हैं, खुदावन तेरे कहने से, खुदावन तेरे कहने से, हाँ खुदावन तेरे कहने से, खुदावन तेरे कहने से। ओ यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, रूह आ, रूहे आ, रूहे पाके खुदावन आ, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक खुदावन आ, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से हालात बदल जाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, कमजोर भी उठ जाते हैं, हम ताकतवर बन जाते हैं, यीशु तेरे आने से, खुदावन तेरे आने से, हाँ की महिमा करे। परमेश्वर आपको छुएगा, हालेलुया, आज परमेश्वर छुएगा, हालेलुया, आज आपकी गवाही आ रही है, आज आपकी गवाही आ रही है। जितने लोग अपने जीवन को परमेश्वर की भक्ति में झोंक देते हैं, वो शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बड़ा चमत्कार देखते हैं, हालेलुया, ऐसा बड़ा चमत्कार जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। खुदावंद की उपस्थिति यहां पर है, हालेलुया, खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रू का मसा हर सु छाया है, ओ यीशु आया है, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना, हो तू चरणी में पैदा हुआ,
वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो सहता ही जाता रहा। वो आंखें उसके पहचाने थी, वो बातें मेरी शिफा के लिए, हो छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। हालेलुया, भर मुझे मेरे मसीह। मांगे सुबह के समय ये परमेश्वर मुझे भर दे। हालेलुया, भर दे। हालेलुया, कई लोगों को परमेश्वर ने इस समय पवित्र आत्मा से भरा है। कई लोग इस समय आराधना खोल के कर रहे हैं और वो देखें, उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे पन्नों को खोल के देखा है। परमेश्वर उनके पन्नों को पलट दिए, उनके परखे जो थे, उनकी किताब के जो परखे थे वो खोल के दे दिए हैं और वो देख पाए कि परमेश्वर, उन्होंने दर्शन देखे। आज जब आराधना कर रहे थे वो दर्शन देखे हैं कि परमेश्वर उन्हें कितना बढ़ाने जा रहा है। उन्हें एक विजन दिया है, एक विजन मिला है कई लोगों को, और वो इसी समय मेरे साथ गवाही शेयर करें। और यदि आप वीडियो कॉल पे आ सकते हैं तो जरूर आएँ, अपने वस्त्रों को पहन सकते हैं, मुंह धो सकते हैं और गवाही शेयर करें, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि उन्हें एक विजन दिया, अभी विजन मिला है उनको, और वो बढ़ेगा। परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि परमेश्वर ने किस बात पे इस्तेमाल करने जा रहा है और बड़े स्तर पर जा रहा है करने। हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप उसकी गवाह हैं और परमेश्वर करके दिखाएगा। वो इज़राइल का खुदा है, उसने फिरौन को दिखा दिया था कि मैं ही हूँ सो हूँ। आज वो हर एक को दिखा देगा। दुनिया छातियाँ पीटेंगी मगर आप खुशहाल होंगे। हालेलुया, रब शखत लबा। हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस हर एक की जिंदगी में हो खुदा। खुदावंद पाक रूह का मसा हम पे छाया, मुझ पे भी छाया, मेरे लोगों पर छाया है परमेश्वर का, जो इस समय भी परमेश्वर इतनी अच्छी आराधना में, इतनी तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में लोग जो टिक नहीं रहे प्रभु जी, पिता उनको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, वो शैतान के हाथों में न चले जाए प्रभु, वो शैतान उन्हें मारेगा कूटेगा खुदा। पिता परमेश्वर संसार की अभिलाषाओं में देखने में चकाचौंध में वो जा रहे हैं, मगर खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर वो बदलें, वो अपने दिलों को समझाएं और उनके दिलों में परमेश्वर तेरी विधियाँ लिख दी जाए, तेरी आराधना में ठहर सके और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं रब शंदर लबा, इनके जीवन के लिए, इनके जीवन पर कब्जा हो। हालेलुया, जो जो जिन जिन लोगों को पवित्र आत्मा मिला है वो गवाही के लिए तैयार हो जाएं, इसी समय गवाही देनी आपको। और जो जो लोग जिन लोगों को दर्शन मिला है, जिन लोगों को पर पवित्र आत्मा अभिषेक उतर के दर्शन दे दिया, परमेश्वर फोकस दे दिया है और क्या बताया है, वो इसी समय गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, प्रभु की महिमा करो, अपनी सेटिंग कर लो। हालेलुया, रब शखत लबा, अपने आप को सही से कर लो ताकि आप गवाही दे सके। हालेलुया, ये समय है परमेश्वर कहता है। हालेलुया, और टॉपिक तो था एलिसा और एलिया का, मगर परमेश्वर कहता मेरी बातों में से बता एलिसा को और एलिसा के बारे में भी ये समझ पाएंगे फिर जब तू मेरी बातों को बताएगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता मेरी बातों को इन्हें बता कि मैं क्या करने जा रहा हूं इनकी जिंदगी में। ये 40 दिन में जो मेरे साथ बैठे हुए थे इनका परिश्रम बेकार नहीं, प्रभु कह रहे हैं। जिन लोगों ने इन दिनों उपवास रखे, चाहे 20 भी रखे, चाहे 10 भी रखे, चाहे 40 रखे, 30 रखे, 39 रखे, 48 रखे, कितने भी रखे हैं या ज्यादा रखने की कोशिश है या आज भी रखे हुए, परमेश्वर कहता है उनका परिश्रम जो मसीह में किया वो बेकार जाने वाला नहीं है। आमीन, वो बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया, आपके जीवन में बंधुआई टूट रही है खुदा के आने से। हालेलुया, उसे बुलाएं अपनी जिंदगियों में। हालेलुया, रब शका दे लबा। हालेलुया, रब तेरे लिए भी। हालेलुया, दर्शन शुरू हो गए हैं लोगों के, दर्शन आ गए हैं लोगों के जीवन में। एक एक बंधुआई का पड़ाव टूट चुका है, आप एक दायरे की दौड़ चुके हैं, वो दौड़ जिसमें अक्सर लोग हार जाते हैं, अक्सर कलीसियाएं हार जाती हैं, अक्सर पास्टर हार जाते हैं, अक्सर बड़े से बड़े अगुवे गिर जाते हैं, मगर इन 40 दिनों में उस दौड़ को आपने पूरा किया है। खुदा कहते हैं अब अगले स्टेप पर मैं आपको ले जा रहा हूँ, अगले स्तर पर परमेश्वर आपको ले जा रहा है। आपके जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग उसके साथ ठहर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर वो कह रहा है तुम्हें धन की कमी नहीं होगी, तुम्हें निश्चितता हो जाएगी और तुम निश्चित हो करके परमेश्वर की आराधना कर सकोगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे, खुदावंद मुझे वचन दे रहा आपको, आपके लिए वचन दे रहा आप सभी के लिए,
ये आप सब के लिए होगा, जितने लोग विश्वास करेंगे उनके लिए होगा, जो वचन को सुनने के लिए ठहरते हैं उनके लिए होगा। परमेश्वर कहता है मैं मेह बरसाने जा रहा हूँ, परमेश्वर कहता है मैं एक ऐसी बारिश करने जा रहा हूँ जो तुम्हारी सोच से बढ़कर होगी, जिससे तुम्हारे खते खजाने, जिससे तुम्हारी कठोतियाँ, जिससे तुम्हारी कोठरियाँ भर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं करने जा रहा हूँ, इंतजार करो, विश्वास करो। उन्होंने इंतजार किया, वो भर गए थे, उन पर बल के साथ उतरा था। आप इंतजार करो, परमेश्वर कहता है उससे भी ज़्यादा अभिषेक आपको मिलेगा। हालेलुया, उससे भी ज़्यादा भरपूरी आपको मिलेगी, उससे भी ज़्यादा आपके किचन और भंडार भरे रहेंगे, आपका फाइनेंस, आपके काम सब कुछ भरे रहेंगे, आप ब्लेस होंगे। हालेलुया, परमेश्वर मुझे कह रहा है जितने लोग उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में इस समय घुटनों पर हैं, इस समय घुटने टेक करके बैठे और इस बात को कह रहे हैं, प्रभु ये छोटे छोटे चमत्कार भी मैं विश्वास करता हूँ तेरी ओर से वो बड़े चमत्कार अपनी ज़िंदगी में, आज डेट लिख लीजिए, आज की जो डेट है उससे आज से शुरू हो जाएंगे आपके जीवन बड़े चमत्कार आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, टिकने वालों, ठहरने वालों के लिए हालेलुया रब शंदर लबा। जो टिकेंगे, जो ठहरेंगे, जो प्रभु की प्रेजेंस में रुकेंगे, जो भागने वाले उनकी बात नहीं कर रहा परमेश्वर, उनकी बात नहीं, उनके उनके तो चित्त में कुछ है ही नहीं है, उनकी किस्मत में कुछ है ही नहीं है, वो अभागे लोग हैं। परमेश्वर परमेश्वर कह रहे हैं जो लोग अपने जीवन में केवल इसी जीवन के लिए जी रहे हैं, केवल संसार के लिए जी रहे, संसार की वस्तुओं के लिए जी रहे हैं, वो सबसे बड़े अभागे हैं। मगर आप धन्य हैं जो प्रभु की प्रेजेंस में इस समय बैठे हैं, जो अपने इस समय दिलों को खोले, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ परमेश्वर की उस अभिषेक को अंगीकार करो, अंगीकार करो। सब लोग अपने मुंह को खोल के हालेलुया, खुदावन मेरे जीवन में आया है, पाक रूह का मसा मुझ पे छाया है, हाँ यीशु आया है, यीशु आया है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए, इनके जीवन को भरिए, जितने लोगों ने इस समय अपनी अपने जीवन में अपने हृदय को खोला है प्रभु, उसे आशीष से भरिए प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसे भी आप संचालन करना चाहते करें, और पवित्र आत्मा ना हम दाएँ मुड़े न बाएँ, मगर एक सच्ची आराधना, एक सच्चा वचन, एक सच्ची कामयाबी इन्हें मिलने पाए, एक सच्चा ठहराव, ईमानदारी, वफादारी में चलें। और खुदा जितने लोग अपने भेंटों को बो रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं, वो उनका बीज ना आशीष के कारण हो जाए, उनका बीज ना महिमा का कारण हो जाए, और परमेश्वर के नाम की महिमा उनकी ज़िंदगी में हो सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अपनी आंखों को खोल सकते हैं और ध्यान दीजिए, खुदावंद आपके घर में है इस समय, ध्यान दीजिए खुदावंद आपके पास है इस समय। हालेलुया, और मैं चाहूँगा आज बहुत गंभीर वचन था, जो वचन एलिया और एलिशा के बारे में था, उनका उनके बारे में कुछ खास बातें परमेश्वर आपको देना चाह रहा था, जो आपको और बढ़ाएंगे, मगर कुछ चीज़ें बदल गई। पवित्र आत्मा ने बोला, देखिए हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का जो चलाया चलता है, बाइबल में लिखा वो ही परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियाँ हैं। हम अपनी बातों को थोपे ना, हम परमेश्वर पर अपनी बातें थोपे ना, हम पवित्र आत्मा की बातों को सुने, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, लोग जब बदलते हैं उनके ज़िंदगी में काम होता, उन्हें पता नहीं होता कि क्या होता है। कल दो कॉल को सुना और दो कॉल को सुनने से ये समझ में आया कि लोग अनजान भी बनते हैं और जानते भी हैं। हालेलुया, लोग अनजान भी बनते हैं, भाई साहब हमें तो पता ही नहीं क्यों हो गया, भाई साहब हमें तो पता ही नहीं। मगर जब कोई आदमी उनकी खुदाई करे, जब कोई आदमी उनके दिलों को खोदना शुरू करे, जब कोई आदमी स्पिरिचुअल बंदा उनके सामने आ जाए, तब सारी खुदाई होकर के सारे कूड़ा करकट बाहर आ जाता, हाँ इसके दिल में ये कूड़ा भरा हुआ है। हालेलुया, मैं दो गवाहियों से शुरू करना चाहूँगा, और जो लोग गवाही देना चाहते हैं, वीडियो कॉल पर आना चाहते हैं, अपने वस्त्र अच्छे से पहन लें, कमीज मतलब धुला होना चाहिए, ताकि आपकी गवाही जो इस समय आपको मिली है, जो इन 40 दिनों में मिली है, जो उपवासों में मिली है, जो आपके परिश्रम में मिली है, वो गवाही दे सकते हैं। हालेलुया, मैं बताना चाहता हूँ कल की दो कॉल के बारे में, जो खास से ध्यान से सुनिए, और इन बातों से आप समझ पाएंगे कि मैं कैसे इनसे बाहर आऊँ, मैं कैसे ऐसी चीज़ों से बाहर आऊँ। एक कॉल आई, उसने बोला कि पास्टर जी मेरे लिए दुआ करिए, और वो कह रहे हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पा रहा, मैं कई सालों से जूझ रहा हूँ, मैं कई सालों से दिक्कत में हूँ, मगर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। उसे प्रभु के दास ने बात की, प्रभु के दास ने बताया क्यों ऐसा हुआ। जब वो दुआ कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने बोला कहीं तो गड़बड़ है, पवित्र आत्मा ने बोला इसे 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 बात कर, इससे बात कर, क्योंकि कुछ गड़बड़ है इसकी ज़िंदगी में।
जब उसे बात करी कि आपके साथ क्यों हो रहा, अपने जीवन में देखिए क्या कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण आपके जिंदगी में परेशानी है, वो कह रहे कि नहीं नहीं पास्टर जी मुझे नहीं पता कौन सा पाप हो गया, पता ही नहीं है। मैंने उसे मेरे परमेश्वर के दास ने उसे दाऊद का वचन दिया कि दाऊद कहता मुझे मेरे पाप पता है प्रभु, और हर एक व्यक्ति को अपनी गलतियों का पता है, हर एक व्यक्ति को अपनी अच्छाइयाँ भी पता है, हर एक व्यक्ति को अपनी बुराइयाँ भी पता है, अपने पाप भी पता है। तो जी जी करने लगे, पता लगा कि बाद में उसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी पाप छुपे हुए हैं। और जब उसने उन बातों को अंगीकार किया कि हाँ मेरे जिंदगी में ये है, तो क्या हुआ, दुष्ट आत्मा छोड़ के निकल गई, दुष्ट आत्मा उसी समय छोड़ के निकल गई। परमेश्वर चाहता था ये अंगीकार करे, और शैतान चाहता है तुम अंगीकार ना करो, और जब तक अंगीकार नहीं करोगे भय बना रहेगा, डर बना रहेगा, पाप वहीं रहेगा और शैतान को मौका मिलेगा। उसका छुटकारा हुआ और वो आज़ाद हुआ, परमेश्वर ने उसी समय आज़ाद किया। दूसरी कॉल की बात करना चाहता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, मैं नाम शेयर नहीं करूँगा, मगर अच्छी बात है कि खुदा ने उन्हें बदला। एक व्यक्ति का कॉल आया, पास्टर जी मैं मेरे बिस्तर गंदा हो जाता है, मेरा रात को बिस्तर गंदा हो जाता है, उनको उनको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार वो कहते हैं कि मुझे, आप जानते हैं पुरुष है तो पुरुष का बिस्तर गंदा कैसे होता है आप जानते हैं, मैं उसे कुछ ज़्यादा गहराई में नहीं बताऊंगा, मगर वो इस बात से परेशान है। कहते हैं मैं दुआ करता हूँ बहुत सारी, और दुआ करता हूँ मैं बहुत सारी परेशानी में हूँ। तो मैंने बोला मैं दुआ करता हूँ, और आप परमेश्वर दास ने बोला दुआ करते हैं। जब दुआ की तो पता लगा कि बहुत कुछ गड़बड़ है। पवित्र आत्मा कह रहे इसके पास दुष्ट आत्माएं सोती हैं रात को, उसने नहीं बताया, पवित्र आत्मा बोला इसके साथ दुष्ट आत्माएं सोती हैं। उसे पूछा गया क्या तुझे बैड ड्रीम आते हैं, कह रहा है मुझे बहुत गंदे सपने आते हैं। भाई तूने बताया कि उन्हें, जब तू प्रेम ले रहा है तो मैंने बताना चाहिए थे, मेरे साथ ये घटना घट रही है, नहीं बता। मगर पवित्र आत्मा लोग अपनी गलतियों को अपनी चीज़ों को खोलते नहीं, इसलिए वो उनके साथ बनी रहती है। जब वो परमेश्वर के सामने आते हैं प्रभु मेरे साथ ये है, या परमेश्वर परमेश्वर दास जो विश्वास योग्य हैं उन पर भरोसा करके कहते हैं परमेश्वर दास मेरे साथ ये घटना घट रही है और मेरे लिए दुआ करो, तब वो चीज़ें जाती हैं वहाँ से, अंगीकार और एक एक वार होता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा में। तो सुनिए पवित्र आत्मा क्या कह रही, इसके साथ दुष्ट आत्माएं सोती हैं। उससे मुझे गंदे सपने आ गए, हाँ मुझे गंदे सपने आते हैं। क्या होता है, क्या दुष्ट आत्माएं आपके साथ सेक्स करती हैं, वे विचार करते हैं, वो कह रहे हैं हाँ डेली मेरे साथ दुष्ट आत्माएं आकर किसी न किसी रूप में आकर के वो मेरे साथ वे विचार करती हैं, गंदा काम करती हैं, और मैं इस बात से बहुत ही पीड़ित हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कोई आशा नहीं रही है, मेरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं रही है, मैं शरीर में सबको दिखता हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मगर मैं आत्मा में टूट चुका हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये घटना, मैंने हर जगह जा चुका, मैं तांत्रिक को देख लिया, मैं पंडित को देख लिया, मैं हर एक व्यक्ति को पुकारा, मैं अपने सहायता करने वालों सहायता मांगी, मगर मेरे जीवन में छुटकारा नहीं हुआ। और ये बात तो आप बता रहे हैं, मैंने बोला आपने क्यों नहीं बताई, क्या पवित्र आत्मा का काम यही रहा कि आप छुपाते रहो और वो आपको बताता रहे, क्या ये चमत्कार होंगे। अब जब एक व्यक्ति खुल के आएगा तो परमेश्वर काम करेगा, यही एक व्यक्ति मन नहीं खोलेगा कैसे होगा। तो कहता है रात को मेरे साथ ऐसा ही होता, हर दिन होता है, और मैं चाहता हूँ मेरा छुटकारा। तब उससे अंगीकार की प्रार्थना कराई, तो उसके लिए जब अंगीकार की प्रार्थना करा रहे थे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या कह रहा कि ये इससे पूछ, ये अपने मोबाइल में गंदे चित्र देखता है, तो उससे पूछा क्या आप मोबाइल में गंदे चित्र देखते हो, कह रहे हाँ। उसने बोला हाँ, उसने छुपाया नहीं, सच अच्छी बात तो ये रही, उसने छुपाया नहीं। वो मुझसे कह रहा था, वो कह रहा कि परमेश्वर दास मुझे बताइए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसे बताया भाई आपको पता, कह रहे मुझे नहीं पता। पवित्र आदमी बोला अब पता लगेगा, इससे पूछो क्या ये अपने मोबाइल में गंदी चीज़ें देखता, गंदे चित्र देखता। तो उसे एकदम शोक लग गया, ये बातें इनको कैसे पता। तो कहता हाँ मैं मोबाइल में गंदी चीज़ें देखता हूँ, गंदी पिक्चरें देखना मुझे अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा कह रहे इतना ही नहीं है, गंदी मूवी भी देखता है। तो उससे बोला क्या आप गंदी मूवी देखते, कह रहे हाँ देखता हूँ मैं। पवित्र आत्मा ने बोला वहीं से इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, इसे बोल दे कि दुष्ट आत्मा ने वहीं से पकड़ा है तुझे, उसे बताया गया वहीं से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। कई लोग अपनी ज़िंदगी में दुष्ट आत्मा का ये दरवाज़ा खोल के रखते हैं, चुपचाप करते रहते, उन्हें आनंद आता है, गंदी चीज़ें देखना उन्हें अच्छा लगता है। अब जो वो देख रहा है वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर आई वो उसके साथ सेक्स कर रही रात को,
और फिर कहता मेरा बिछौना गंदा हो जाता है, मेरे कपड़े गंदे हो जाते, मेरा मेरा लोअर गंदा हो जाता है, मुझे छुटकारा चाहिए। कह रहा मैं बहुत दुआ करता हूँ, एक तरफ दुआ कर रहे हैं एक तरफ गंदी चीज़ें देख रहे हैं, कैसे छुटकारा होगा। पवित्र आत्मा पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। आज कितने लोग आप में से भी कई लोग इन चीज़ों का शिकार हैं, और वो जब तक रहेंगे जब तक वो अपने अंगीकार को परमेश्वर के सामने नहीं रखते। दुष्टात्मा छोड़ के नहीं जाती, कितने घरों में पड़ी रहती, क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें रास्ते दे रखे हैं, उन्होंने उन्हें पाल रखा है, खिला खिला के पिला पिला के। शैतान का डंक क्या है? पाप है। जितना पाप करेंगे उसका डंक उतना ही लंबा होता चला जाएगा, उसका डंक उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, और वो डंक मारता चला जाएगा। शैतान का डंक क्या है? पाप है। मौत का डंक क्या है? पाप है। पाप की मजदूरी क्या? मृत्यु है। शैतान को ताकत कहाँ से मिलती है? जब आप उसे, वो ताकतवर है नहीं, उसे ताकत वो लोग देते जो गंदा काम करते, जो व्यभिचार करते, गंदा काम करते, पाप करते, चोरी करते, दारू पीते, अपने आप को गंदा करते, अशुद्ध करते हैं, वो लोग उसे ताकत देते हैं और वो उनके लिए ताकतवर होता है। जब उसके लिए प्रार्थना की गई, उसने पश्चाताप किया, रो रो के अंगीकार किया कि मैं आज अपना जीवन प्रभु को देता हूँ, और उसी जब पवित्र आत्मा ने कहा कि अब ये ठीक रहेगा, अब इसके चारों तरफ मैं बाड़ा बांधता हूँ, और इसे कह दे कि आज के बाद ये ऐसा ना करें। अपने मोबाइल को इस्तेमाल करता है तो ये केवल वचन के लिए करें, ऑफ अपनी अपनी ऑफिस के काम के लिए करें, अपनी मीटिंग के लिए करें, अपने कुछ भी करें, और फिर वो कहता मेरा बिजनेस ठप हो गया, फिर वो कहता मेरा बिजनेस ठप हो गया। वो क्यों हो गया? उसी दुष्ट आत्मा ने उसके बिजनेस को ठप कर दिया। आज ना धन है और ना ही उसका तन है। उसका धन भी गया, उसका तन, तन का मतलब शरीर भी खत्म हो गया, निचोड़ दिया दुष्ट आत्मा ने उसको। पिचका हुआ आम लगता है, यहाँ से अंदर घुस गया होगा। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत खूबसूरत है, उसे प्रभु के साथ जीना है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो आनंद वो कहीं नहीं है। संसार के पाप में वो आनंद नहीं है जो खुदावंद के साथ रहने में है। संसार में बहुत पाप है, देख रहे हैं, एक दूसरे को घात करना, मारना, और आने वाले समय में जब चौथा लॉकडाउन लगेगा, चौथे लॉकडाउन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, लगेगा, आप गिनती लिख लीजिए आज, जब चौथा लॉकडाउन लगेगा उस समय तक पहुँचने में लोगों की हाहाकार, चीखें निकलने शुरू हो जाएगी, और इस समय भी और लोग मरने वाले हैं, बहुत लोग मरने वाले हैं। ये कारण क्या? लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लोग प्रभु से दूर हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, अभी भी अपने जीवन को गंदगी में लेकर जा रहे हैं, अपने जीवन को पवित्रता से दूर ले जा रहे हैं। वचन सुनने का लोगों को टाइम नहीं है, परमेश्वर की प्रशंसा में उन्हें बैठने का टाइम नहीं है, उन्हें सिगरेट पीने के लिए टाइम है मगर प्रभु को धन्यवाद कहने के लिए टाइम नहीं, उन्हें दारू पीने के लिए टाइम है, एक बार ये नहीं कह सकते प्रभु मेरी ये दारू को छुड़ा दे, इतना कहने का टाइम नहीं है। आज लोग इतने मजबूर हो गए हैं, वो कहते हैं कि पास्टर जी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भोर के समय कहाँ जाना, भोर के समय भी बैठ के कम से बिस्तर में ही सुन लो, घर में ही सुन लो, बैठ के सुन लो। परमेश्वर ने हर जगह से हर तरीके से, अब वो परमेश्वर को कभी नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमें तूने मौका नहीं दिया कि हम बदल सकें। परमेश्वर ने सबको मौका दिया, पूरे संसार को मौका दिया, लेखा तो हर एक बंदे का लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा में चलें, और जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। जितने आप लोगों के घरों में इस समय बड़ी खुशहाली है, क्योंकि आप अपने घरों में लोगों को चलते हुए देख रहे हैं। एक दिन था कि आपके घरों में 10 बजे तक सोते थे लोग, एक दिन था कि आपके घरों में आप खुद 8 बजे 7 बजे 9 बजे उठने वाले लोग थे, और उस समय आपका शरीर देह काम नहीं करता था, टूटा हुआ शरीर, आलस से भरपूर, लबलब भरे रहते थे, शैतान की बातों से भरपूर, लड़ाई झगड़ों से भरपूर घर रहते थे। मगर जब से आप 40 दिन के उपवास से गुजरे हैं, एक फिल्टर लगा दिया परमेश्वर ने, एक झरना लगा दिया, उसमें जब आप छन के आए हैं, खड़े होकर आए, कसौटी में से निकल के आए हैं, जब आप सुनार के सोने की तरह तप के आए, भट्टी में तप के आए हैं, तब क्या हुआ? आज आपके घर में खुशहाली दिखती है। जब आप बैठे हो आपके घर के लोग सुन रहे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनके पति भी सुनते हैं, पत्नी भी सुनते हैं, उनके बच्चे भी सुनते हैं, उनकी मम्मी भी सुनती है, सब कहते हैं हम तो सारे के सारे लोग सुनते हैं। क्या हमारे घर में खुशहाली, वो भोर को उठते हैं उनके जीवन में आनंद रहता है, उनके जीवन में दुख नहीं रहता, पीड़ा नहीं रहती। हालेलुया। आज वो खुदा के अच्छे बेटे बन गए, आज खुदा की अच्छी बेटियाँ बन गई हैं। जो लोग भोर को नहीं उठते सबसे ज़्यादा परेशान हुई है,
सबसे ज़्यादा परेशान वही है जो परमेश्वर से मांगते नहीं, सबसे ज़्यादा परेशान वही है। किसी का कॉल आया था कल छत्तीसगढ़ से, कह रहे पास्टर जी दुआ करिए हमें, मुझे मैसेज मिला हमारे प्रांत में, उनके सेंटर के प्रांत पास्टरों ने हमें बताया कि वो कह रहे छत्तीसगढ़ में बहुत लोग मर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग हटीले भी तो हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसे भी तो लोग हैं जो सुनते नहीं है, बात छत्तीसगढ़ की ही नहीं है, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ भी लोग मरने वाले हैं। अब्राहम कितनी जगह अड़ेगा, अब्राहम कितने लोगों के लिए अड़ेगा? जब अब्राहम ही नहीं रहेगा तो परमेश्वर जगह का क्या करेगा? जब प्रियंका तिर्की अपनी जगह में नहीं रहेगी तो परमेश्वर उस जगह को कैसे बचाएगा? जब काम नहीं रहे अपने अपने क्षेत्र में नहीं रहेगी तो वहाँ पर परमेश्वर कैसे बचाएगा? जब तक लूत उस घर में था, उस नगर में था जो सदोम अमोरा कहा जाता है, उस नगर के लोगों को चैन आराम मिलता रहा, वो पाप तो करते रहे मगर वो जीवित थे, और जिन्हें लूत वहाँ से निकल गया उस दिन वो बर्बाद हो गए। जिन्हें आपके घर में से धार्मिकता खत्म हो जाएगी, कल परसों पढ़ रहे थे ना कि कोप के दिन धन से कोई लाभ नहीं हो, कमाओ खूब धन कमाओ, अच्छी बात है कमाना चाहिए, मगर अब क्या है, अब हर जगह लूटा जा रहा, आप कोरोना का टीका लगा वहाँ भी तुमसे पैसा लूटा जाएगा, आप डॉक्टर के पास जाओ वहाँ भी लूटा जाएगा, आप कोर्ट कचहरी में जाओ वहाँ भी लूटा, हर जगह पैसा पैसा पैसा। आप घर से बाहर निकले, घर से बाहर अगर खाली जेब आप निकल जाएं तो आप प्यासे मर जाएं, पानी नहीं मिलेगा आपको। जो पानी पिलाना धर्म समझा जाता था वो धार्मिकता खत्म हो गई आज, जो भूखों को खाना खिलाना अच्छी बात समझी जाती थी वो अच्छाइयाँ खत्म हो गई आज। हालेलुया, मनुष्य स्वार्थी हो गए, मनुष्य स्वार्थी हो गया। आज तो डर लगता है, आज डर लगता है। हालेलुया, मुझे एक उदाहरण दे दें, एक बोतल दिखाइए, वो बोतल दिखाइए, उठा के दीजिए जरा, जो एक और थी जो अभी लाए थे। हालेलुया, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। हालेलुया, ये कितने का होता है? फिर भी मेरे पास एक बोतल है, ये बोतल 700, 200, 500, 300, 400 ऐसे होता है। इसे लेके क्यों चलना पड़ रहा है? इसमें पानी घर से लेके चलना पड़ता है। क्यों लेके जाना पड़ रहा? क्योंकि सबको पता है, सबको पता कि बाहर धार्मिकता खत्म हो गई, इसलिए अपना पानी अपने साथ लेके चलो, क्योंकि बाहर जीवन का जल मिलने वाला नहीं है। बाहर लोग स्वार्थी हो गए हैं, रोटी अपनी पैक लेके चलो क्योंकि बाहर रोटी मिलने वाली नहीं है, पैसा अपनी जेब में लेके चलो क्योंकि पैसा बाहर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग स्वार्थी हो गए। बाइबिल में अगर जाएं, बाइबिल कहते हैं अंत के समय में, अगर आप इन बातों को नहीं देख रहे हैं तो आज देख लीजिएगा, अंत का समय है ये। अंत के समय में लोग स्वार्थी हो, अंत का समय कैसा? संसार का अंत होने वाला है, और यीशु आएगा, और जितने लोग विश्वासी हैं जिन्होंने अपने आप को बदल लिया, अपने आप को पवित्र किया और जिन्होंने बपतिस्मा लिया और आगे बढ़ गए, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेके जाएगा, और बाकी लोग चाहते हैं हाय मेरा बच्चा, मुझे मार डालो, मुझे कर डालो, दुख मत दो। पर इस शैतान का एनकाउंटर जब उनके साथ होगा ना, उनके जी में जी नहीं रहेगा, अभी जी में जी नहीं है, अभी लोग मर रहे हैं, कोई किसी की चिंता नहीं करता। सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो तो जाए, हजार लोग निकल जाएंगे वहां से, हजारों में एक भी धर्मी, कोई बाई चांस एक मिल जाए कि उसकी सहायता कर दे, उसे एम्बुलेंस में ले जाए, उसे कोई कहीं हॉस्पिटल चले जाए। बंदा मरता तो मर जाए, एक कुत्ता मर जाए और एक व्यक्ति मर जाए, दोनों बराबर है। कुत्ता मर जाए तो उसे नाक बंद करके चलते हैं और निकल जाते हैं, मर गया कुत्ता मर गया। आज आदमी मर जाए उसे भी कतरा के चले जाते हैं। एक गिलास पानी आपको बाहर नहीं मिलेगा फ्री में, जिस पानी को पिलाने के लिए धर्म समझा जाता था, जिस अगुवे जो अगुवे जिन ईश्वरों की हम बात करते हैं, जो अच्छे कामों की शिक्षा देते थे, आज कहाँ है वो प्रभुता? हालेलुया, आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम इन बातों को समझे। अंत के समय लोग स्वार्थी हो जाएंगे, डींग मार बड़ी से बड़ी बातें बोलने वाले, मगर काम की बातें नहीं होंगी, डिंग मार हो जाएंगे, अपने ही भले के चाहने वाले। आप कहीं भी चले जाए, वो हमेशा कोई भी हर एक कॉल इसलिए आती है, हर एक कॉल प्रेस सेंटर में, हर एक प्रार्थना भवन में, हर एक व्यक्ति चर्च में इसलिए जाता है कि मेरा अच्छा हो जाए, हर एक व्यक्ति कॉल करता है मेरा ये हो जाए। मुझे आज तक एक कॉल ऐसी नहीं मिली कि वो कहे कि मेरे पड़ोसी के लिए दुआ करो वो अच्छा हो जाए, मेरे विरोधी के लिए दुआ करो कि वो अच्छा हो जाए।
आज जितनी भी कॉल्स आती हैं, हजारों कॉल्स आती हैं, हजारों एसएमएस आते हैं, मी जरूर लिखा प्रेयर फॉर फ्रेंड नहीं लिखा, प्रेयर फॉर मी लिखा होगा वहां पर, क्योंकि हमें चाहिए, हमें चाहिए। हाल आज संसार की हालत ही है, जब कोरोना फिर से आ गया लोग डर डर के कॉल करने लगे, पास्टर जी दुआ कर दो कहीं कुछ हो ना जाए। कल एक भाई ने 6 महीने में कॉल किया, 6 महीने बाद कॉल किया, जबकि 6 महीने पहले उसे बताया गया था रोज कॉल करो तुम विपत्ति में नहीं पड़ोगे। जब विपत्ति में आए, अब क्या हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। और डर इस बात का, उसके पापा बीमार हैं, उसकी मम्मी बीमार है, छोटा सा घर है, रेंट पर रहते हैं, अब वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, भाई और कोई नहीं, अकेला कमाने वाला, अब उसे डर लगा कि मैं मर जाऊंगा। अब कहते पास्टर जी दुआ करो, अब कॉल आया, मजबूरी में कॉल कर रहे हैं। अगर स्वेच्छा से हम अपने जीवन को प्रभु को देते हैं तो ये समस्याएं आएंगी नहीं। आप एक ऐसे ऐसे ऐसी जगह का निर्माण कर रहे हैं जहां पर परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर पिता के दाहिने बैठोगे, जहां खुशहाली होगी, जहां आंसू नहीं होंगे, आंसू मिटाने वाला परमेश्वर आपके साथ होगा। लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप बाहर सड़क पे निकल के एक भी व्यक्ति को दिखा दीजिए कि कोई आपसे प्यार करता है, एक व्यक्ति कोई भी आपको मिल जाए कि आपसे प्यार करता है, नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा है तो सब आपसे प्यार करते हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी, आपके पास पड़ोसी के पास 4 गाड़ी है, मगर आपके पास ऐसी गाड़ी जो उनकी 4 गाड़ी की कीमत से भी ज़्यादा बड़ी है, तो वो 4 गाड़ी वाले भी आपके हेलो हाय करेंगे, आपको सलूट मारेंगे रोज। आज साजो सामान देख करके लोगों की गिनती की जाती है, आज लोगों की वैल्यू जो है उनके साजो सामान, उनके घर, उनका पैसा, उनका रुतबा देख करके वैल्यू लगाई जाती है, मगर परमेश्वर कहता है ये अभागे लोग हैं क्योंकि इन्होंने संसार पर मन लगाया, धन्य वो पुरुष जो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। पृथ्वी जी, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, आप सुधर जाओ, सुधर सुधर जाओ। मैं कहना नहीं चाह रहा था और मैं अपने बच्चों को डांटता हूँ, अगर आप मेरे बच्चे, मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी दिखे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सुधर जाओ, इधर उधर झांकना बंद कर दो। अगर आपको इस भवन से नहीं जुड़ना, आपको इसमें नहीं सुनना, तो आप मूव कर सकते हैं, नहीं तो डेली डेली चाहिए आपको, आप डेली चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पर आप डेली चाहिए। ये वो चीज़ नहीं, यहाँ से भी ले लो वहाँ से भी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सुधर जाओ। परमेश्वर ने आपको, जब आप रो रहे थे, तड़प रहे थे और जब कहीं नहीं थे आप, जब आपको बेटा दिया है, जब आपको उम्मीद नहीं थी, ना आपके जीवन में गवाही है, ना आपके जीवन परमेश्वर के साथ ठहराव है, इसलिए सुधर जाओ। अगर आपको प्लेटफॉर्म पर इस पर नहीं आना तो कभी कभी झांकने नहीं आना है। यहाँ वो बच्चे जो ठहरते हैं, यहाँ वो बच्चे जो ट्यूशन लेते हैं, निरंतर बने हुए, चिपके हुए, अड़े रहे, यहाँ पिंड को उसकी दूसरे दो जो कलीसिया है, दूसरे अध्याय में जो लिखा वो वाली कलीसिया है, यहाँ मतलब ही लोगों की जरूरत नहीं है। और मैं रानो चतुर्वेदी से भी बोलना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अगर वो सुन रही है तो सुधर जाओ, इधर उधर झांकने के लिए। एक दिन याद करोगे कि किसी ने आपको डांटा था, हालेलुया, मगर मुझे कोई मतलब नहीं आपकी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी आप उसे कहीं भी मिट्टी में गिरा सकते हो, आपका लाइफ है आप उसे कहीं भी बर्बाद कर सकते हो, आप उसे बनाना चाहे बना सकते हो, बिगाड़ना चाहे बिगड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी, हालेलुया। मगर आज मैं कुछ बातें अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, आत्मिक बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब प्रेम ख़त्म हो गया तो परमेश्वर क्या कहता, परमेश्वर कहता प्रेम में निष्कपट हो जाओ, तुम लोग निष्कपट प्रेम करो, प्रेम बांटो, परमेश्वर प्रेम है, जहाँ प्रेम है वही परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम बांटो परमेश्वर को, परमेश्वर ने क्यों कहा तुम जगत, तुम मसीह की पत्रियां हो, तुम ही वो पत्रियां, परमेश्वर कहता कि तुम्हें लोग पढ़ेंगे, तुम्हारे कैरेक्टर को पढ़ेंगे, लोगों में हाहाकार है, लोग स्वार्थी हो गए, डींगमार हो गए, अपने भले के चाहने वाले हो गए, व्यभिचारी हो गए, गंदे हो गए, परमेश्वर को ना चाहने वाले हो गए,
अनाज्ञाकारी था, ईमानदार नहीं रहे, वफादार नहीं रहे, मगर परमेश्वर कहता जो वो नहीं रहे मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ, तुम वफादार हो जाओ, तुम ईमानदार हो जाओ, तुम टिकने वाले हो जाओ, तुम सुनने वाले हो जाओ, हर्ष के कारण तुम्हारा अभिषेक किया है मैंने, तुम प्रेम में निष्कपट हो जाए, बुराई से घृणा करने वाले हो जाओ, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो और प्रयत्न करने में आलसी मत रहो, आनंद में आनंद के उन्माद में बढ़ते चले जाओ। आमीन। ये क्वालिटी परमेश्वर में भरना चाहता है और ये कैसा है पवित्र आत्मा में। कल किसी ने मुझसे सवाल किया कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद भी एक व्यक्ति पाप कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है? यस, कर सकता है। अगर उसने पवित्र आत्मा पाया है और उसने अपने जीवन में उसे जगह नहीं दी है तो, अगर पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया और उसने पवित्र आत्मा की सुनी नहीं तो वो व्यभिचार कर सकता है। पाना और उसके साथ चलना अलग बात है। पाना उस पर किसी दिन टॉपिक पर बात करें। मुझे बोतल दे दी, बोतल तो मिल गई मगर मैंने इसे खोल के इस्तेमाल नहीं किया तो इस बोतल का क्या फायदा? जो वरदान मिले उनका क्या फायदा जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं? उन टैलेंट का क्या फायदा जो आपको परमेश्वर ने दिए? खुदावन क्या कहता है रोमियो की पत्री उसका 12वें अध्याय में लिखा है, 12 अध्याय के अगर 9 पद से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। मैं 9 से ही नहीं, मैं और पहले से पढ़ना चाहूँगा, मैं चाहूँगा 3 पद से पढ़ूँगा। पौलुस प्रेरित ने रोमियो की कलीसिया को ये बात लिखी है, लिखा क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है मैं तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। हम केवल परमेश्वर के दास समझे अपने आप को, हम अपने आप को समझे तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना पारसी हैं, ना मेदी हैं, ना हम फरीसी हैं, ना शास्त्री हैं। हम परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर बेटी हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जब चिल्ड्रन आ जाएगा आप सब उसमें आ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। यही बड़ी खूबसूरती है वचन की, यही बड़ी खूबसूरती है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर हमें बांटता नहीं है, वो परमेश्वर हमें प्यार करता है, हमारे देह से, हमारी आत्मा से, हमारी सोल से और हमारे काम से, हमारे कैरेक्टर से, और वो चाहता, वो प्रयास कर रहा है। हालेलुया। वो बार बार प्रमाणित नहीं करेगा, वो बार बार प्रमाणित नहीं करेगा मुझे देखो मैं परमेश्वर हूँ। आज एक अगुवे को प्रमाणित करना पड़ता, देखो ये परमेश्वर है, विश्वास करो विश्वास करो, और लोग फिर भी विश्वास नहीं करते, बहुत बड़ी गलत बात है। तो वचन क्या कहता है, मुझे अनुग्रह मिला मैं उस अनुग्रह की बात करना चाहता हूँ। आपको अनुग्रह मिला मैं उस अनुग्रह की आपसे बात करना चाहता हूँ। जो ब्लेसिंग आपको मिले मैं आज उस ब्लेसिंग की बात करना चाहता हूँ। जो पवित्र आत्मा ने आपको छुआ मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। जो 40 दिनों में आपने दर्शन देखे मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। जो 40 दिनों में आपने अपने पतियों को बदलते देखा, आपने अपने घर में ब्लेसिंग आते देखे, आपने दुष्टात्माएं भागते हुए देखा, मैं उन ब्लेसिंगों की बात करना चाहता हूँ आपसे। क्योंकि आप, क्यों मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्योंकि आप ही परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर की बेटी हैं, आप ही हैं। हो सकता है सेमल मसी है, हो सकता है सेमल मसी सैला सोहेल को किसी ने बोल दिया तू किसी काम की नहीं है, हो सकता है आपको किसी ने धिक्कार हो सकता है पापा ने मम्मी ने बोल दिया, किसी ने आपको बोल दिया तो हमारे योग्य नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरा बेटा नहीं हो सकता, मगर खुदा ने आपको कभी नहीं कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। खुदा ने आपको कभी नहीं कहा कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम मेरे बेटे नहीं हो। बेशक हमने गुनाह कर दिए, उस गुनाह से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहले मर गया हमारे लिए और वो क्रूस पर चढ़ा, आपके और मेरे पाप उठा लिया। आज आप और पापी, आप और मैं पापी नहीं है, आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु ने आपको बेटे और बेटियां बनाया, आपको तिरस्कार कर दिया, आपकी बीमारियों में छोड़ दिया, आपके कठोर समय में जब आपको हेल्प की जरूरत थी आपको छोड़ दिया गया। मगर मैं उस अनुग्रह की बात करता हूँ, उस अनुग्रह की बात आपसे करना चाहता हूँ। जब कठोर समय, जब कोई नहीं था, उस समय किसने आपको खिलाया, उस समय किसने आपको बचाया, आज तक आप जिंदा हैं, परमेश्वर ने आपको, वो परमेश्वर जो आपको दिखा नहीं था मगर आपके जिंदगी बदलती चले, वो आपको देख रहा था, जिस नजरें आप पर बनी हुई थी। इसलिए वो क्या करता, मैं पौलुस उस बात का अनुग्रह की मैं आपको, आपको क्या करता हूँ, आपसे, आपको उस बात की चर्चा करता हूँ कि जैसा हमें समझना चाहिए। हम ये ना समझे हम तो ये बन गए, हम वो बन गए, अरे क्या बन गए, अरे तुम वकील बन गए, अच्छी बात है, पर कितने साल के लिए? एक दिन तो रिटायर हो जाओगे। तुम जज बन गए, कितने साल के लिए? एक दिन तो रिटायर हो जाओगे। अगर तुम एक एक पुलिसमैन बन गए, एक कितने साल के लिए? आप रिटायर हो जाओगे। अगर तुम मिलिट्री में चले गए,
कितने साल के लिए? एक दिन रिटायर हो जाओ, हर जगह रिटायरमेंट ही है। अगर तुम परमेश्वर के बेटे बन गए उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, अगर तुम परमेश्वर की बेटियां बन गई उसमें कोई रिटायरमेंट ही नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अनलिमिटेड फेवर है, वो अनकंडीशनल प्रेम है, उसमें कोई कंडीशनल नहीं है, उसमें कोई कंडीशन लागू नहीं है। जब आप कहते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, आप उन शर्तों से बाहर आ जाते हैं। जब आप कहते हैं मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, आप आदम के श्राप से बाहर आ रहे हैं। आदम को क्या श्राप मिला? तो भूमि की उपज पसीने के साथ खाएगा, तेरे कारण भूमि श्रापित होगी। जब आप विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर बेटी हूँ, आपकी भूमि आज़ाद होती है, आपका काम आज़ाद होता है, आपका फाइनेंस आज़ाद होता है, आपके आपके बिजनेस आज़ाद होते हैं, आपके बच्चे आज़ाद, क्योंकि वो श्राप की भूमि जो रहती वो आशीष की भूमि बन जाती है। परमेश्वर अगुओं को पता रहता है कि बारिश कब होगी, उन्हें अगुओं को पता होता है बारिश कब बंद होगी, वो खोल सकते हैं, वो बंद कर सकते हैं। इसलिए वो अनुग्रह जो आपके ऊपर है वो परमेश्वर के प्लान में है, आपका नाम परमेश्वर की पुस्तक में, आपका नाम परमेश्वर के प्लान में है। जब आप परमेश्वर प्लानिंग को समझने की कोशिश करेंगे, जब आप परमेश्वर को समझने की कोशिश करेंगे, वो आपको समझा देगा, सही तरीके से काम करके दिखा देगा कि मैं ऐसा हूँ। आमीन। और आप उसकी अनुग्रह की दृष्टि के नीचे रहेंगे और ये बढ़ता जाए। शेयरिंग करिए सभी लोग। यहाँ पर क्या है, मैं उस अनुग्रह की बात करना चाहता हूँ जो मुझ पर हुआ, मुझ तेजपाल पर भी हुआ जब मैं मरने जा रहा था। आज मैं जिंदा हूँ तो इस कारण हूँ कि मैं आपको वचन सुना रहा हूँ। ये भोर का समय बहुत कीमती समय, इस भोर के समय को बिल्कुल मत चूकिए। अगर चूक गए बाद में पछताना पड़ेगा। और आपको याद आ जाएगी इन दो सालों में 2022-2023 में जब तक ये कोरोना 4 आएगा, आपने देखा 2G, 3G, 4G भी आ गया है ना, तो 1G चला गया, उसके 2G भी आ गया, 3G आएगा, 4G भी आ जाएगा, कोरोना 4G। जब तक वो 4G आएगा ना, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, छातियां पीटेंगे लोग, हमें बचा लो भाई साहब, हमें बचा लो। देख लेना, लिख लो, आज लिख लो, भविष्यवाणी है। हालेलुया। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हैं, लोग बचाने वाले से दूर हैं, उनके पास दवाइयां, वो दवाइयों पर भरोसा कर रहे हैं, उनके पास पैसा, वो पैसों पर भरोसा कर रहे हैं। मगर परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर वचन के कारण तुम जीवित हो, उसके वचन रूपी कोड़े से तुम बचे रहोगे, उसके वचन रूपी कोड़े से आप वचन पर। मैं ये मिनिस्ट्री वचन पर ही क्यों फोकस करती है? क्योंकि वचन के बिना कुछ भी नहीं है। जैसा तुमको समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे। और क्या लिखा है? जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है। परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको वैल्यू दी है, आपके विश्वास के अनुसार ही आपको क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, उसके अनुसार आपको तोड़े दिए हैं, टैलेंट दिए हैं, और वो कहता है उसी के अनुसार आपको बांटा है। और क्यों बांटा है? उसका एक रीज़न है, ताकि आप संसार के जैसे व्यवहार में ना आओ। संसार अपने लिए सोचता है, मगर आप दूसरों के लिए सोचो, एकदम पलट के। क्या कहता परमेश्वर? कि कहा गया था आँख के बदले आँख फोड़ दो। आज संसार में यही हो रहा, किसी ने किसी को मार दिया, उसने उसके घर के लोगों को मार दिया। आमेन, हालेलुया। आज बदला है, बदला बदला। तुमने मुझे गिरा, मैं तुझे गिरा दूंगा। पड़ोसी से लड़ाई, मैं तुझे देख लूंगा। हर जगह ऐसे ही है। एक समय की बात है, मैं मेट्रो में सफर कर रहा था। मैं एक हकीकत से आपका सामना कराना चाहता हूं, ऐसे टाई पहने वाले लोगों की बात करना चाहता हूँ जो बाहर से सुंदर लगते हैं, बाद में पता लगता है सड़े हुए अंदर हैं। मेट्रो में सफ़र कर रहे थे और एक्सक्यूज़ मी करके निकलते हैं, बड़े इंग्लिश वाले फर्राटेदार, मुंह में कुछ और अंदर कुछ, हालेलुया, एक्सक्यूज़ मी। और किसी को ज़रा टच हो गया और एक बंदे ने बोला ओए, दूसरे ने फिर अच्छा। और मैंने मेट्रो में वो फाइट होते हुए देखी है, दिल्ली मेट्रो में, कि लोग अपने लैपटॉप ले लेके दूसरे के सिरों पर मार रहे हैं। और वो लोग थे जो टाई लगा, कहते हैं हम अच्छे ऑफिस में काम करते, फिर कहते देख मैं ही हूँ, मेरा कार्ड ये रहा, कार्ड से डरा रहे लोग, मेरा पहचान ये है, मेरा कार्ड ये है, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये रह गया संसार में और कुछ नहीं रहा। सहनशीलता ख़त्म कर दी शैतान ने, लोग व्यभिचार कर रहा, हर जगह पाप, हर जगह व्यभिचार, हर जगह रेप हो रहे हैं, लोग लोगों को जला रहे हैं, लोग लोगों को मार रहे हैं। आप घटनाएं सुन रहे होंगे, लोग मर रहे हैं अस्पतालों में, मर रहे, किसी को कोई चिंता नहीं है। मगर आप
परमेश्वर कहते हैं तो मेरे शिक्षा को जब अपनी जिंदगी मिलेगा तुझे सुकून मिलेगा। परमेश्वर कहते हैं तेरे ऊपर और कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, बलसान की वो औषधि, हालेलुया, वो औषधि जो परमेश्वर का ब्लड है वो तेरे घर में छिड़का जाएगा। क्या कह रहे, क्यों हमें समझना, क्योंकि हम संसार में उसके विपरीत काम करेंगे। आंख के बदले आंख नहीं, वो कहता है कि सुना गया था दांत के बदले दांत तोड़ दो, मगर परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तुम अपने शत्रुओं को माफ कर दो, उसे सिखाओ कि जिंदगी जीना ऐसे नहीं जैसे आप जी रहे हैं, जिंदगी जीना ऐसे है जैसे हम बता रहे हैं, आमीन, तब आप जीत पाएंगे। आपका पड़ोसी आपका हमेशा कर्जदार हो जाएगा। पैसे दे के आप किसी को अपना बना सकते हो, और जब उसका काम निकल जाएगा वो आपका नहीं रहेगा, मगर आपने अगर उसे अच्छी शिक्षा दे दी, आपने उसे अपना कैरेक्टर उसके अंदर पेश कर दिया, आपने उसकी बीमारी में खड़े हो गए, आप उसकी समस्याओं में खड़े हो गए, आप उसे उन गंदे कामों से बाहर निकाल लाए, तो आपके ज़िंदगी भर जब तक मरेगा वो आपको सैल्यूट मारना कभी नहीं छोड़ेगा, और वो कहेगा ये बंदा है परमेश्वर का दास, आमीन। परमेश्वर आपकी चिंता करते चाहे आप कहीं भी हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करते आप कोई भी हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर, मुझे नहीं पता वो भाई कौन था जो पैरों में मेरे गंदे कपड़े गंदे हो जाते, मेरे बिस्तर गंदा हो जाता है, मगर परमेश्वर ने बताया वो उस दशा में पड़ा हुआ है जिससे उस कोई निकाल नहीं रहा है, मगर परमेश्वर ने उस पर दया की, उसे उसने पश्चाताप किया और जो दुष्टात्मा थी वो चली गई, और क्या हुआ। परमेश्वर क्या चाहता है, वो चाहता है क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब प्रकार एक सबका एक सा काम नहीं, वैसे ही हमारा हम जो मसीह में है एक देह होकर एक दूसरे के अंग, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया हम में भिन्न भिन्न वरदान, भिन्न भिन्न कैरेक्टर, भिन्न भिन्न टैलेंट, भिन्न भिन्न सोच, अलग अलग सोच है हमारी, अलग अलग दशाओं में रहते हैं हम, अलग अलग पहनावा हमारा, और ये हमारी खूबसूरती है, सुंदरता है। एक पेड़ में अलग अलग फ्रूट हो जाएं, एक बगीचे में एक ही तरह के फूल हों तो वो बगीचा सुंदर नहीं लगेगा, एक बगीचे में हर तरह के फूल हो, ओ क्या बात है, जगमगाता रहता है। यही सुंदरता है परमेश्वर की, कि आपके जिंदगी में आपके घर में सबकी शकल एक जैसी हो कैसे लगेगा, हैं, चाइना के जैसे हो जाएंगे, चाइना के लोग सब एक जैसे लगते हैं, वहाँ स्त्री पुरुष को पहचानना मुश्किल हो जाता है कई बार, हैं। परमेश्वर ने क्या किया, खूबसूरती दी आपको, खूबसूरती अपने अपने तरीके से उसने बनाया, और ये खूबसूरती आप अलग अलग सोच, अलग अलग भाषा, अलग अलग सब कुछ है ना, अलग अलग पहनावा, कोई कुछ पहन रहा कोई कुछ पहन रहा, मगर सब में परमेश्वर की महिमा आपके अंदर दिखाई देती है, क्योंकि आप परमेश्वर की क्रिएशन है, आप परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने आपको बनाया अपने हाथों से, बहुत सुंदर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भाई, अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो आपको इसमें आना ही नहीं था, ये आपके लिए नहीं हो रही है, और जिस बात को आप गाली दे रहे हैं आप, पता लग रहा है कि आपके अंदर कितना गंदा भरा हुआ है। यही सिखाया आपके अगुओं ने, यही सिखाया आपके माता पिता ने, और जिसकी आप भक्ति करते हैं यही सिखाया आपने, गाली देना यही सिखाया है, माता पिता को भी ऐसे गाली देते, माँ की बहन की गाली ऐसे देते हो, बहन को भी देते हो, और फिर आप अच्छे गाली दे के आप अच्छे हैं, हम अच्छी बात बोल के भी गलत हैं। खुदा तुम्हें बुद्धि दे, पता लगेगा, चिंता ना करो, पता लगेगा जिस दिन न्याय होगा, पता लगेगा कि जिस दिन आपका भी न्याय होगा, जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, परमेश्वर के पास रिकॉर्ड हो रहा है। खुदा आपको माफ करे, मैं माफ करता हूँ आपको, आप मुझे जानते नहीं बिना मतलब गाली दे रहे हो, आप मेरे साथ समय नहीं बिता, मेरा व्यवहार नहीं जानते, मैं कैसा हूं, गाली दे रहा हूं वहां से, कहां के लोग हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा, इसे फेसबुक पे इसका क्या करो, इसकी पोस्ट को ब्लॉक कराओ, इसकी रिपोर्ट करो फेसबुक को, इसका चैनल बंद होगा, और करिए करिए आप लोग सारे जितने मसीह के लोग हैं, और आपको किसी ने बुलाया थोड़े ही, यहां पर यहां बच्चों की क्लास चल रही है, और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं पता बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कलीसिया ऑनलाइन चल रही है, और स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, व्यापार ऑनलाइन चल रहे, सब कुछ ऑनलाइन है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, सुबह 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 के समय भी गालियां, सात को भी समय गाली खा के सोते हो क्या, वो वॉमिटिंग करते रहते हो, अंदर भरी हुई है, जो मनुष्य के, परमेश्वर वचन कहता है मनुष्य के मन में जो भरा होता है वही बाहर आता है, इस गंदगी को निकालिए, ये गंदगी शैतान की ओर से, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे।
मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, आप अपनी गंदगी में जीते रहो गंदगी में, पता लगता है आप कितने गंदे हैं और सब लोग देख रहे हैं, आप अकेले गाली देने वाले, बाकी लोग आपको देख रहे हैं आप कितने अच्छे हैं, अंदर क्या भरा हुआ है, बाहर से सुंदर सड़े हुए अंदर। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बुद्धि दे और जैसे आप है आपको भी कोई आपके जैसा मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ यहाँ से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पानी देना था, परमेश्वर की महिमा करें। आप देख रहे हैं ये चीज है, जो अभी ये चीज हो रही है, कल क्या होगा जब परमेश्वर नहीं होगा, जब परमेश्वर के लोग नहीं होंगे, अगर एक नबी ना हो नबी की जगह तो क्या होगा, अब्राहम की जगह अब्राहम ना हो तो क्या होगा, ऐसे लोग छोड़ेंगे किसी को? क्या ऐसे लोग भलाई करेंगे जिन्हें भलाई भी बुराई लगती है, जो बिना मतलब किसी को बिना मतलब कोई लेना ना देना गाली दे देते हैं, वो मुझे नहीं जानता आपको नहीं जानता, हो गए शुरू, कहां से शुरू हो गए? क्योंकि वो भरा हुआ शैतान ने। आज लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए, फ्रस्ट्रेट है, किसी अच्छी बात को नहीं सुन सकते, बुरी बात को नहीं सुन सकते, एकदम कुछ भी बोलते एकदम लड़ाई शुरू हो जाती है, एकदम सब कुछ हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमिशन ना होना आप देख लीजिएगा, लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे, लिखा जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और ये समय आएगा। और सोचना है कि आपको उपवासों में प्रार्थनाओं में कितनी सामर्थ्य और चाहिए कि आप उससे बच जाएं, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, आप उठाए जाएं, आप परमेश्वर आप बिठाए जाएं, आप परमेश्वर के राज्य में। इसलिए वो कहता मेरे पिता को ये भाया है कि तुम्हें वो राज्य दे, प्रभु ही समझ ने कहा मेरे पिता को ये भाया तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर चाहता है एक अच्छे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। नरक में जाने वाले भी बहुत हैं जो आंख में अंधापन लेके बड़े बैठे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, जो वरदान मिले जो टैलेंट मिले हैं उनके विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वो टैलेंट क्या है कि प्रेम मिला है तो प्रेम करो, निस्वार्थ करो, ये मत करो कि मेरा भाई भूखा मैं इसकी हेल्प करूँगा, कल मुझे भूख लगेगी तो मैं भी ये मेरी हेल्प करेगा। आप क्यों अंगीकार करें कल मुझे भूख लगेगी, आप क्यों अंगीकार करेंगे कल मैं इसके जैसा हो जाऊंगा, नहीं अंगीकार करिए, मैं ब्लेस हूं तो मैं इसलिए परमेश्वर ने ब्लेस किया कि मैं इसके जैसा नहीं होऊंगा मगर मैं आशीषित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। अभी एक भाई आए थे वो भलाई से घृणा करने वाले लोग, भलाई से घृणा कर, अच्छाई भी पसंद नहीं लोगों को, उसे किसने बुलाया, हमने चिट्ठी दे के नहीं बुलाया उसको, हमने उसे निमंत्रण नहीं दिया है, अपने आप आ गए, शैतान भी अपने आप ही आ जाता है, बुराई भी अपने आप आ जाती है। अगर आप बाड़ा नहीं बांध के रखोगे, अगर आप बाड़े में नहीं रहोगे, ठहरे हुए स्थान में नहीं रहोगे, ठहरे हुए समय में नहीं रहोगे, हालेलुया, ये ना दिन देखेंगे रात भी देखेंगे, दिन में भी कभी भी बैठ जाओ ऐसे लोग मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ ऐसे लोग मिलेंगे। वचन क्या कहता है, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, आपस में मोहब्बत रखो, आपस में एक दूसरे मसीह भाइयों का कद्र करो, एक दूसरे साथ रहो, तब जाकर के एक ऐसा झुंड होगा जो वो करेंगे वो हो जाए, पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा आपको पवित्र करे सामर्थ देगा, आपके घरों में आपके निवासी स्थान में परमेश्वर की ब्लेसिंग बनी रहेगी। और क्या कहता है, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से आगे बढ़ चलो। हालेलुया, आदर करने में एक दूसरे का आदर करो, जब आदर बोगे तो आदर काटोगे भी। हालेलुया, आप किसी से बोलते एक्सक्यूज मी, वो कहते यस, आप उससे बोलते हेलो भैया आशीष, वो भी आपको आशीष देता है, जो बोलते वो काटते हो। लिखा क्या करना है, आदर करने में एक दूसरे का आदर करिए, आपको डबल मिलेगा। मैं देखता हूँ जब बुजुर्ग लोग मुझे मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है बुजुर्गों का आदर करना, जब उनकी हेल्प करना, मैं उनके पास बैठ के जब मुझे समय मिलता है मैं घंटों उनकी बात सुनता हूँ, और वो जब मैं घंटों उनके साथ रुकता हूँ बड़े आनंद से उनके चेहरे की मुस्कुराहट बन जाती है,
क्यों? क्योंकि उन्हें कोई सुनता नहीं है, और मुझे अच्छा लगता है उनका सुनना, उन्हें समझाना, उन्हें बात करना, वो मेरी समझ में उन्हें समझता हूँ। पता है क्या होता है, एक उनके उनमें मैं जीने की जिज्ञासा देखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। चलो ये टेंशन में थे, मेरे थोड़ा सा समय देने से इनके जीवन में उदासी चली गई, निराशा चली गई, और कितना आनंद आ गया उनके चेहरे पर, आनंद। आमीन, हालेलुया, यही बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर नहीं, आज माता पिता का आदर नहीं, बच्चे प्रॉपर्टी के चक्कर में माता पिता को बाहर निकाल देते हैं। आज रहे तो पैसा रह गया, क्या पैसा रह गया, कागज कागज के टुकड़े, और वो भी बैंक में, आपकी जेब में नहीं, आप लाखों रुपए जेब में लेके नहीं घूम सकते। लाखों रुपए जेब में घूम के, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए आपके जेब में नहीं होंगे, और वो कहाँ होंगे, बैंक में होंगे। बैंक वाला उसके मजे ले रहा है, बैंक वाला उससे लोन दे रहा है लोगों, बैंक वाला उससे बिजनेस कर रहा है, बैंक वाला उससे व्यापार कर रहा है, बैंक वाला उसके आनंद ले रहा है। आपका पैसा बैंक में है, वो किसी और के पास है, और आप बिना मतलब बोले मेरा पैसा आपका होता था, आप इस्तेमाल करते उसको, मगर क्या हो रहा है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो कोई और इस्तेमाल कर रहा, आपकी मेहनत को कोई और इस्तेमाल करके आप ही का पैसा आप ही को लोन दे रहा, आप इसे और कमा रहा है, और हम कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, आप लेकर थोड़ी घूमते। और इस पैसे ने, इस कागज के टुकड़े ने जो किसी और के पास पड़ा हुआ है, जो केवल दिखता है हमें, महसूस होता है हमारा है, उसके चक्कर में लोगों ने अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का घात कर दिया है। आदर खत्म हो गया इसी पैसे के चलते, इन्हीं प्रॉपर्टी, इस जमीन के चलते, ये धन के चलते, घर के चलते। हालेलुया, क्या होता है, क्या कह रहा परमेश्वर, आदर करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे दूसरा भी तुम्हारा आदर करेगा, फिर तीसरे करो तीसरा भी तुम्हारा आदर करेगा, ऐसे इतने लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ कि आप जो हैं, आप एक आदर के बीच में, आपका आदर सब करेंगे, सब आपका करेंगे, एक ऐसा माहौल होगा, वहाँ शांति अनुग्रह होगा, वहाँ लुच्चे लफंगे अनर्थकारी कुकर्म करने वाले नहीं होंगे। वचन क्या कह रहा है, इस बात को हमें समझना, पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें उसी अनुग्रह की बात कर रहा हूँ इस समय, क्या कह रहे, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, अगर आदर होनी है कोशिश करो, कोशिश हमेशा आपको बढ़ने का मार्ग देती है। एक बार नहीं हो फिर से कोशिश करो, दो बार नहीं हो फिर से कोशिश करो, क्या करें, कोशिश करो, आलसी मत बनो किसी भी काम के प्रति आलसी। अगर आप आलस हैं तो आपकी छत भी टपकने लग जाएगी पानी से, बारिश आएगी तो, क्यों आलसी है, छत की रिपेयर नहीं की आलस के मारे। आप अपनी जिंदगी की रिपेयर नहीं करोगे तो जिंदगी टपकने लग जाएगी, प्राण ही टपक जाएगा। हालेलुया, इसलिए बहुत जरूरी है, मैं उस अनुग्रह को देना चाहता हूँ जो 40 दिनों में आपको मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जो आशीषित हो रहा बोले हालेलुया, वो अपना थम जरूर पेश करे परमेश्वर की उपस्थिति में। क्या लिखा कि आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मान में भरे रहो। आत्मिक खुशी होनी चाहिए आपके जीवन में, आत्मिक खुशी में भरे रहो, हमेशा हमेशा भरे रहो, गुदगुदाते रहो। गुदगुदा कैसे, गुदगुदाना, बुड़बुड़ाते भी रहो, क्या बुड़बुड़ा, प्रभु तुम महान है, प्रभु तुमने मुझे अच्छा किया, प्रभु मेरे बच्चे अच्छे हैं, प्रभु तुम मुझे ये आशीष देने जा रहे हैं। कुछ चीज़ दिखती है आपको जरूरत है, ये मत बोले यही चाहिए मुझे, इसी जैसी, प्रभु तुम मुझे आशीष देने जा रहे हैं इससे बढ़कर। आमीन, आप जब गुनगुनाएंगे, आप जब बोलते रहेंगे वही चीज़ें बोलेंगे। देखिए अभी देखा, थोड़ी देर पहले एक भाई गाली दे रहा, बिना मतलब, क्यों, उसके मन अंदर वही भरा हुआ है। आप क्या बोलोगे, जो आपके अंदर भरा हुआ है, आपके आपके जीवन में वही चीज़ें आएंगी। आमीन, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। और क्या कहते हैं परमेश्वर, वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है आत्मिक उन्मान में भरे रहो और प्रभु की सेवा। हेलो, यहाँ पे बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, ये नहीं रुकने देना काम, कुछ भी रुक जाए ये काम नहीं रुकने देना, प्रभु की सेवा करना है। अब वो लोग पहले प्रभु कहाँ है बताओ, पहले दिखाओ, पहले हम जब भी सेवा करेंगे, अरे प्रभु तो आपके अंदर है, जब वो भले काम के लिए आपको उकसाता है तो आपको उसे करना है, जब वो भले काम के लिए कहता है कि ये काम करना तो वो करना है। आमीन, जब आप उसके फ्रंट पे आते हो वो आपकी ज़िंदगी को बदलता है, उसका अनुग्रह आपको उठाता है, उसी का अनुग्रह जो आप खुश बैठे हैं आज, जो आपके चेहरे पर खुशी है, उसी का अनुग्रह है जो परमेश्वर की महिमा में आप चल रहे हैं। हालेलुया, उसी की आनंद है, जिस आनंद में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये गुलामी नहीं है, ये गुलामी नहीं है, ये वो डोर है, ये वो डोर है पवित्र आत्मा की, जिसके कारण मैं आप सभी के घर जाके आपको उठाया नहीं है,
कि आप उठो और सुनो, मगर पवित्र आत्मा का वो प्रेम विवश करता है। पवित्र आत्मा वो प्रेम है, वो पवित्र आत्मा में आप बंधे हुए हैं। संसार की उस हाकिम से आज़ाद हैं मगर पवित्र आत्मा में बंधे हुए हैं। आमीन। और वो आपको विवश करता है और आनंद से भरने के लिए, आपका आनंद दुगना होता जाता है। इसलिए वो क्या कह रहा है, उन्मान में भरे, प्रभु की सेवा करते रहो, जो भी टैलेंट मिला उसे इस्तेमाल करो प्रभु के लिए। आपको गिटार बजाने मिले बजाओ, जो भी आपके पास है उससे परमेश्वर महिमा करो। क्या लिखा और क्या करना, लिखा कि आशा में आनंदित रहो। आशा रखो कि मैं आनंदित इसलिए मेरा काम जरूर होगा, मेरे जीवन में काम जरूर होगा। और आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर हो जाओ। क्लेश जब आता है तब क्या करे, भागो मत। अगर आप तूफान में भागोगे वो तूफान आपको उड़ा के ले जाएगा। तूफान में आपको एक जगह खड़े होने की ज़रूरत है, पेड़ पकड़ लो या बैठ जाओ या कुछ चीज़ें मिल जाओ, एक जगह खड़े हो जाओ। अगर नहीं खड़े होंगे आप, ये तूफान जीवन में भी होते हैं, बीमारी के तूफान, लड़ाई के तूफान, झगड़ों के तूफान, परेशानियों के, डिप्रेशन, टेंशन, फाइनेंस, कर्जा, जब आप उसमें भागते हो इधर उधर 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 ये वो, तब आप और फंसते हो और बह जाते हो। मगर तूफानों में क्या करना, क्लेशों में क्या करना, स्थिर होना, अगुओं को पकड़ लेना, परमेश्वर को पकड़ लेना, प्रार्थनाओं में बैठ जाना, उपवासों में बैठ जाना, मांगने लेना, मांगते रहना, परमेश्वर के पैरों को पकड़ लो, उसके चरणों में गिर जाओ और मांगो उससे। क्या लिखा, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोज प्रार्थना करानी है, रोज प्रार्थना करानी। बहुत सारे भाई बहन रोज प्रार्थना करते खुश है, उनके चेहरे मुस्कुराते, कॉल करते ही पास्टर जी हम बहुत खुश हैं, आनंद आता है, सचमुच में आनंद आता है। और क्या लें, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो। ये भी जरूरी है, ये हम करते ही नहीं है, ये हमें करना जरूरी है। पवित्र लोग कौन है, जो आपके लिए बैठे, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें जो कुछ आवश्यकता है उनकी सहायता करो, भावनाएं करने में लगे रहो। और अपने सताने वालों को क्या करना है, आशीष देना। क्यों आशीष देना, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए भी मरा है, यीशु मसीह उसके लिए भी मरा है, परमेश्वर उससे भी प्रेम किया, वो भी आप ही के जैसा है। परमेश्वर आपसे पूछेगा, मैंने तुझे प्यार किया, तूने उसे क्यों नहीं किया। मैंने वो क्या, आप बोल सकते हो कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, तो प्रभु पूछे तूने भी तो मेरे साथ ऐसा किया, तूने भी तो मेरे साथ पाप किया, मैंने तेरे पापों को माफ़ किया ना, मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ, उसे माफ़ कर, चल हो गया बराबर, वो भी मेरा बेटा है। तो परमेश्वर हमें इक्वल बनाता है, परमेश्वर अनुग्रह हमें इक्वल बनाता है, एक जैसा बनाता है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा आपस में एक संबंध रखो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। इससे पहले लिखा कि आप क्या करो, आशीष दो, आशीष दो, श्राप नहीं देना किसी को, अपने मुंह से गंदी बात नहीं बोलनी किसी को। यदि कोई दुखी है उसे बोलो भाई चिंता ना कर, हम दुआ करेंगे तो दुख से बाहर निकल जाएगा, उसे कितना कंफर्ट मिलेगा। आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपके काम करने वालों के पास है, सहेली है, कोई भी है, आप उनकी 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 उन बिगड़ी हालातों में ढांढस बन के खड़े हो जाओ। यही है वो नमक जिसे परमेश्वर कहे तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़े किसी काम का नहीं, आप काम के हो, आप दूसरों की जिम्मे टेस्ट लेके आओगे, क्योंकि आप टेस्टी बनाए गए हो इसलिए टेस्ट लाओगे। नमक को नमकीन किया गया है, इसलिए वो पाउडर नहीं है कि उसका कोई टेस्ट नहीं है, वो पाउडर की तरह दिखता है मगर उसमें एक टेस्ट है, और जहाँ भी डालोगे वहाँ टेस्ट आ जाएगा। आप बनाए गए हो, टेस्टी बनाए, इसलिए दूसरे की लाइफ आपकी ज़िंदगी से टेस्टी होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, जो आनंदित है और आनंद मनाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आनंद करने वालों के साथ क्या करो, आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। जो रो रहे हैं, जो दुखी हैं, उनके साथ दुखी होना जरूर है। जहां कोई मर गया वहां पर सांत्वना देना जरूरी है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि खुदावंत चाहता है वो कैरेक्टर जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर आप जिए। जब ऐसा जिएंगे तो परमेश्वर का, आ मेरे बेटे चल इस दुखों से बाहर निकल, चल। परमेश्वर के लोग जिस दिन धरती से उठा लिए जाएंगे उस दिन कल्पना कीजिए इस धरती का क्या होगा, इस धरती पर रहने वालों का क्या होगा। जिस दिन सदोम अमोरा से लूत उठा लिया गया था, लूत बाहर निकाल दिया गया था, उस दिन क्या हुआ था, और उस दिन से पहले जब तक लूत वहां था तब क्या हुआ था। आप सोचिए, अगर आप जो पृथ्वी के नमक हैं आपको निकाल दिया जाए इस पृथ्वी से, तो ये स्वादहीन हो जाएगी, लोगों का जीवन स्वादहीन हो जाएगा। और पवित्र लोग निकाल दिए जाएं तो बस अपवित्रता बचेगी, और अपवित्रता जो पाप हृदय है उसे परमेश्वर देख नहीं सकता, गए काम से फिर तो।
आमीन। इस बात को समझना है, लिखा रोने वाले को साथ रो, आपस में एक संबंध रखना है, एक संबंध रखना आपको, कोशिश करनी कि मैं दूसरे के साथ एक मन हो जाऊं, एक मन का आत्मा मांगना है। और लिखा अभिमानी ना हो परंतु दिनों के साथ संगति करो। अभिमानी नहीं करना तो क्या करना है, हालेलुया, क्या करना है, हमें करना है हमें दीन लोगों के साथ संगत, जो दीन है, हम्बल है, कठोर वालों के लिए नहीं, जो जरा सी बात बोले एकदम उबल के आ जाते दूध की तरह, मैं उनकी बात करूँ जो हम्बल है, जो सह लेते हैं, वो सहते हैं, उनके साथ संगति करना ताकि आप उनकी क्वालिटी को अपने जीवन में ऑब्जर्व कर सको, उनसे कुछ सीख सको, उन्हें एक आदर्श बना सको। हालेलुया। और क्या लिखा, उसके बाद मैं दुआ करूंगा आपके लिए। लिखा है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, एक ने तो करी दी, हम भी करेंगे, हम भी उसके जैसे हो जाएंगे। एक चोर चोरी करके उस चोरी को, बड़ी चोरी कर, बड़ा डाका डाल के उसे सुधारा नहीं जा सकता। मगर क्या है, क्या कहता है वचन, क्या कह रहा, बुराई के बदले बुराई करोगे तो और बुरे हो जाओगे, परंतु जो बातें लोगों के निकट भली है उनकी चिंता करा करो। जो भली बातें आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके भाइयों के लिए, आपके माता पिता के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उनकी चिंता करो और उनके लिए प्रार्थना करो कि वो परिवार भी, वो जो दुखों में, उन दुखों से बाहर निकल जाए। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आमीन, हालेलुया। तब हम एक दूसरे से चिंता करेंगे और जहाँ तक हो सके तुम बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, सबके साथ, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का है, सबके साथ मेल मिलाप रखो। वो मेल मिलाप बहुत बड़ी बात है, जो आपको परमेश्वर के सामने एक एक क्वालिटी का क्वालिटी बनाता, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, फिर बाद में क्वालिटी पहले दिखती है और आपके जीवन पहले दिखता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, यहाँ क्या आता है, जहाँ तक हो सके अगर हो सकता है तो तुम भरसक सब मनुष्य मेल रखो। हे प्रियो, बदला नहीं लेना किसी से भी नहीं लेना, चाहे वो धर्मी है, धर्मी से तो बिल्कुल ही नहीं लेना, क्योंकि धर्मी का पलटा लेने वाला परमेश्वर है। अगर धर्मी को छुओगे तो परमेश्वर कहता है, अगर धर्मी को छुओ तो वो मेरी आँख की पुतली में उंगली दे रहे हैं। अगर कोई परमेश्वर की आँख में उंगली दे, तो आपकी आँख में उंगली डाल दे, तो आप एकदम चाटा जड़ देते हो। तो परमेश्वर क्या करेगा, जब उसकी आँख में उंगली डालेंगे तो उसकी आँख है, उसके धर्मी लोग उसकी आँख है, उसकी आँख की पुतली है, उसके पवित्र लोग, उसके अगुवे। अगर आप एक अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप परमेश्वर की आंखों में बसे हुए हैं। आमेन। सीमा जी, कमेंट्स डालना बंद करिए, आप हालेलुया डाल सकते हैं, बाकी और लोगों से मत बोलिए क्या क्या करना है क्या नहीं करना, पवित्र आत्मा उनसे अगुवाई कर रहा है। आप स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, टीचर मैं भी टीचर नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ। तो क्या करना है, हालेलुया, बदला नहीं लेना है। क्या पता कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की आंखों में बसा हुआ है, कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की पुतली बना हुआ है, कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के हृदय में बसता है, है ना? आपका मन अच्छा है, आप परमेश्वर के हृदय में बसते हो, आपकी बोल चाल अच्छी है, परमेश्वर की आंखों में आप बसते हो। चाहे आप किसी भी जगह रहते, किसी भी देश में रहते हैं, चाहे आप किसी भी आप समुदाय में, किसी भाषा के लोग या किसी धर्म के लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर परमेश्वर को प्यारे लगते हैं आप। फिर चंचल, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, आप किससे बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइव में, ये कौन दीदी है, किस दीदी से बात कर रहे हैं जो आपस में यहाँ कमेंट डाल, देखो भाई ना क्या है ये, कौन देखेगा, खबरदार ऐसे कमेंट डाले तो। मैं आपको देखता रहूँ, परमेश्वर की बातें सुनो या सुनाऊं, छोड़ दो इस प्लेटफॉर्म को, छोड़ दो। अभी सॉरी वोरी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको, उसने इसने लिख दिया, क्या है चंचल, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ आपको, फिर मत बोलना। जो परमेश्वर दास बोले उस पर ध्यान ही नहीं है लोगों का, उसने बोला इसने बोला है, ये कमेंट्स डिलीट मारने में
आपको पता 1000-2000 कमेंट्स आते हैं, उसमें आपका कमेंट्स डिलीट मारने में मुझे कितनी मेहनत लगेगी, कितना घंटे लगेंगे ढूंढने में। आपके एक काम करने से दूसरे लोग इसे देखते हैं, लोग देखेंगे आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, कैसे लोग हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं आप? सीमा जी आप हाथ जोड़ रहा हूं, मैं छोड़ दो प्लेटफॉर्म, बिल्कुल हट जाओ यहां से, चंचल छोड़ दो, लीव हो जाओ, छोड़ दो एकदम। छोड़ दीजिए, निकलो यीशु मसीह के नाम में बाहर, डिस्टर्ब करने वाली दुष्टात्मा हो छोड़ो यीशु मसीह के नाम में इस स्थान को। परमेश्वर का वचन कहता कौन किसकी कितना प्यार करता खुदा से। कितने लोग जुड़े हैं सीखने के लिए आते हैं, आपके डांट फटकार सुनो वो भी निकल लेते हैं। आप ठोकर का कारण मत बनो, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं आप। अभी काफी लोग और जुड़ रहे थे, आपको डांट पड़ी, आपके वो कमेंट देख कर निकल पड़े, इनके यहाँ भी यही हो रहा, बाहर भी वही हो रहा, तो यहाँ आके क्या फायदा, सुधर जाए। परमेश्वर वचन कहता है बदला नहीं लेना, बदला नहीं लेना। कौन कहता मेरे दास, मेरे चुने हुए लोग, मेरे अच्छे लोग, अच्छे मन वाले लोग, भलाई करने वाले लोग। वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा हूं मेरी आंखों की पुतली है। बदला लेना तुम्हें नहीं लेना हे प्रियो, बदला नहीं, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, मौका दो कि परमेश्वर ही क्रोध करे ऐसे लोगों पर। मूसा के विषय में यहूदा की पत्री जब पढ़ते हैं, यहूदा की पत्री में लिखा स्वर्गदूत के साथ शैतान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है कि मूसा की लोथ बता कहां पर है, कहां है उसकी कब्र, क्योंकि उसे भी नहीं पता और वो चाहता है मूसा की लोथ मिल जाए, उसे इस्तेमाल करे बुरे कामों के लिए। मगर स्वर्गदूत क्या कह रहा है, परमेश्वर ही तुझे गुड़के, परमेश्वर ही तेरा बदला ले, आमेन। तो परमेश्वर यहां क्या कह रहे हैं, तुम किसी से, किसी ने बुरा कर दिया, बदला मत लो, पलटा मत लो। परमेश्वर कहता पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा, और जब मैं बदला लूंगा तुम्हारा तो बंदा उठेगा नहीं, उठ ही जाएगा या वो सुधर ही जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, अवसर दो परमेश्वर के क्रोध को। परमेश्वर का जो क्रोध है उसका सामना कौन कर पाएगा, हालेलुया, जो सामना करे वो समझ जाए। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है, आपको जो काम करने के लिए दिया वो नहीं करेंगे, फायदा क्या है। एक नाव चलाने वाले को अगर बोलेगा तू नाव, वो कहेगा मैं नाव नहीं चलाता, उसका फायदा क्या है। एक गिटार बजाने वाला, उसके पास टैलेंट, वो गिटार ना बजे, उसका फायदा क्या है। एक धनी आदमी, उसे धन का इस्तेमाल ही नहीं करता प्रभु के लिए, उसका फायदा क्या है। एक आदमी के पास चार गाड़ियां हैं और वो सबको दिखा रहा है मेरे पास चार गाड़ियां, चौड़ा होकर रोज चलता है, मगर उसमें परमेश्वर के लिए एक भी काम नहीं आती है, क्या फायदा उन चार का। एक व्यक्ति प्रचार कर सकता है, उसका कोई टैलेंट काम नहीं आ रहा, क्या फायदा उसका। एक व्यक्ति दूसरों की सहायता कर सकता है, करता ही नहीं, क्या फायदा उसका। हालेलुया। एक व्यक्ति अपना अच्छा मन रखता है मगर उस मन में करप्ट बातें रखता है, क्या फायदा उसका। एक व्यक्ति व्यभिचार करता रहता है, पाप करता रहता है, वो बदल नहीं रहा, क्या फायदा उसका। सोचिए बात क्या कहता है, परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है यदि तेरा भाई भूखा है, यदि तेरा बैरी दुश्मन भी भूखा है, तो तू क्या करो उसे खाना खिला। संसार अभी किसी को फ्री में खाना नहीं खिलाता, संसार अभी किसी को पानी नहीं पिलाता। जिस पानी पिलाने को धर्म समझा जाता वो धर्म खत्म हो गया, जिसे भूखे को खाने खिलाना अच्छा समझा जाता था वो खाना का। जब भंडारे चलते थे गांव में, मंदिरों में भंडारे चलते, भंडारे खत्म हो गए हैं। अब भंडार लगा दो, स्वार्थ से लगा, चलो कुछ खाना बांट दो कुछ अच्छा हो जाएगा, स्वार्थ के लिए होता है। परमेश्वर कहता वो धार्मिकता खत्म हो, वो धार्मिकता फिर से स्थापित करो, भूखों को खाना खिलाओ। और वो क्या कहता है, अपने बैरी को जो भूखा उसे खाने खिला, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, उसे बचा भाई उस बंधन से, नहीं तो वो अपनी आग में भस्म हो जाएगा। ये तुम्हारा और मेरा काम है, और ये काम हम कर सकते हैं कब, जब हम सब लोग अपनी जेब में से मुट्ठी निकाल करके हम हाथ बढ़ाएं। और आप जबान जबान से नहीं कर सकते, अगर आप मुट्ठी नहीं खोलेंगे, आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, ये काम हो ही नहीं सकता। अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो कहते ना अकेला चना बाजे घना, अकेला थोता चना बाजे घना,
थोता जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर खोखले वायदे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो आवाज़ कर सकते हैं झंझनाती जहाँ जब, मगर काम कुछ नहीं हो सकता। लिखा उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। सोचिए पानी पिला रहे, आग कैसे लगेगी भाई, खाना खिला रहे, आग कैसे लगेगी, वो आग लगेगी उसकी उस बुराई को भस्म करने के लिए, आपकी अच्छाई की आग लगेगी ताकि वो आपकी अच्छाई को देख सकें। शायद आप आज से वो बुरा था और आपके व्यवहार के कारण वो आपके चरणों में गिर पड़े, भाई मुझसे भी गलती हो मुझे माफ़ कर, मैं तो आपको बुरा समझता था मगर आपने मेरी सुधि ली, आपने मेरे लिए चिंता की, आपने मेरे लिए ध्यान दिया, मैं भूखा था, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़े मगर आपने मुझे खाने खिलाया, आप कितने अच्छे हैं। उसके विचार आपके लिए बदल जाएंगे, उसका जीवन भर का जो जीवन है आपके अंडर में हो जाएगा, यही है उसके उसके ऊपर आकर डेला। बुराई से मत हारो, बुराई से हारना नहीं, कोई बुराई करने दो वो उसका काम है, आप इस बात को ध्यान रखो क्या है आपका काम। बहुत सारे लोग कहते पैसे हम ये करते, वो हमारे बुराई करते रहते, अरे तुम उसे देख ही क्यों रहे हो, तुम वो बुराई कर रहा, वो अपने काम में व्यस्त है, तुम्हें जो काम दिया है तुम अपने काम में व्यस्त रहो, तुम भलाई ज़्यादा करो बुराई अपने आप छोटी हो जाएगी, तुम अच्छाई करो बुराई अपने आप छोटी हो जाएगी, जिस दिन तुम भलाई करना बंद कर दोगे तो बुराई तो तुम्हें बड़ी दिखेगी। हालेलुया। तो यही कहते हैं अगर वो ढेर लगाएगा, बुराई से मत हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये एक बात है, पवित्र आत्मा इन्हीं गुणों की बात कर रहे हैं, पौलुस इन्हीं 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 अनुग्रह की बात कर रहा है कि मैं उस अनुग्रह की बात करना चाहता हूँ जो आपके ऊपर है। झूठी बातों को बोल करके आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे जो आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, पास्टर जी हम ये कर देंगे, पास्टर जी हम नहीं छोड़ के जाएंगे, पास्टर जी जो कहते थे हम नहीं छोड़ के जाएंगे, सैतान ने उन्हें ही पहले भगाया, वो पहले भागे, और मैंने उन्हें बोला था कि बेटा नाम लेके बोला था अब तेरा नंबर आ गया चौकस रहना, कह रहा मैं नहीं कुछ नहीं होगा, और वो हो गया फटाफट, फिर दूसरे अब तेरा नंबर है, परमेश्वर ने अगुवाई करता रहा कि अभी से बोल शैतान, ये अब इसकी परीक्षा अब इसकी आ गई, मगर उन्होंने उस बात को तुच्छ जाना, आज वो कहीं भी नहीं है। कुछ लोग झूठे बोलते पास्टर जी मैं ही करने वाला हूँ, मगर करते नहीं है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर हमें अनुग्रहकारी आदमी को दीन आदमी को ब्लेस करता है, आगे ले कर चलता है, और उनके जीवन में घटी नहीं रहती बढ़ोतरी आती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। कुछ लोग कॉल कर रहे हैं और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए, आप जो बैठे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने इन लोगों से भी कहना चाहूँगा, जितने लोग कमेंट्स करते हैं इस चाची ताती ताई दादी दादा इसने बोला उसने बोला इसने ऐसा कर दिया पास्टर इसने वो बोला मुझे कब उपवास करना क्या करना, ये सारी चीज़ें मैं हाथ जोड़ता हूँ छोड़ के चले जाओ, ये सारी चीज़ें छोड़ दो फायदे में रहोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भी बात करनी फ़ोन पे करो आपस में, ये प्लेटफॉर्म चर्चा करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्रभु का काम करने का प्लेटफॉर्म है, इसे मत बिगाड़ो। शास्त्री फरीसी मत बनो, अगर शास्त्री फरीसियों के जैसे रहोगे तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, हम खुद ब्लॉक मार देंगे तुम्हें यहाँ से, और फिर ढूंढते रहना वो समग्रेस कहाँ है, फिर ढूंढते रहना हम क्या करेंगे, पास्टर जी हमारे लिए हमें क्यों ऐसा कर दिया, इतना रोज़ समझते हैं रोज़ समझाते हैं पता नहीं क्या क्या करते रहते लोग, इतना समझाने के बाद लोग उस समझ में नहीं आता है। सोचिए अगर कोई ना समझाए तब आपका हाल क्या है, जब आपको कोई ना समझाए तब आपकी हालत कैसी होगी, हमें विचार में सोच सकते हैं, बड़ी गड़बड़ में होगी आपका व्यवहार, आपकी गली में आपके मोहल्ले में कैसा होगा। धर्मी लोगों में आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, धर्मी लोगों के साथ में ऐसे कमेंट्स डाल रहे हैं, दीदी इसने ऐसे बोला पहले उसने बोला, हम तुम्हारी लड़ाई सुलझाने के लिए बैठे हैं वचन सुनाने के लिए, तो इससे पता लगता है आप कितने चिड़चिड़े स्वभाव के लोग हैं, इससे पता लगता है आप कितने आपके घर में कैसे हाउल्ला रहता हो, कैसे लड़ाइयाँ, इसलिए तो कहता हूँ घर में रोज़ झगड़ा रहता क्यों रहता, आप खुद झगड़ालू हैं, खुद को बदलिए पहले खुद को बदलिए, परमेश्वर कहता है पहले तू बदल जब तेरा घर बदलेगा, हम सोचते हमारा घर बदले, हम सोचते हमारे लोग बदले, पहले खुद बदलिए, परमेश्वर पहले ये देखेगा तू बदल, जब मैं तू बदल जाए मैं विश्वास करूंगा तब तेरे घराने में भी मैं काम करूंगा। आमीन हालेलुया। यही सारी बातें हैं और मैं उन दो लोगों से कहना चाहूंगा जो इस तरह के कमेंट भेज रहे थे, आज के बाद कोई कमेंट आपका आना नहीं चाहिए,
और कॉल पे भी आपको डांट पड़ने वाली है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। पौलुस के कील ठोकने वाले थे साथ में। पौलुस क्या कहता, मुझे कांटा चुभाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म में भी कांटे चुभाने वाले लोग हैं। मत करिए ऐसे काम, किसी के लिए आशीष का कारण बनिए। किसी के लिए हो सकता है आप दुख में, अच्छी बात है दुख में पड़े हैं, पर आप चिड़चिड़े बन गए, आपके ऊपर दया होनी चाहिए, ये एक अलग पोर्शन है। मगर आप भी किसी दया कौन करेगा, आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा तो आपके ऊपर वो दया करे। जब आप अपने आप को ठीक करिए, संयम ही बनाइए, आप धीरजवंत हो जाइए, सीखिए और लोगों को देखिए कितने संयम से। आप दो तीन लोग थे, दो तीन लोग आप और लोगों को देखिए कितने संतुलित होकर प्रभु का आवाज़ को सुन रहे हैं, आमीन लिख रहे हैं, हालेलुया लिख रहे हैं, उसके अलावा और कुछ चीज़ें लिखी नहीं है, जिनकी प्रेरित वैसे प्रेर के लिए लिख रहे हैं, बाकी और चीज़ें नहीं है। ये अखाड़ा नहीं है, और ये वो यरूशलेम का मंदिर नहीं जिसमें शास्त्री फरीसी थे, जो चाह हो गया, चल गलती कर दी, चलो भेंट चढ़ा दो, हो गया। हमें आपकी भेंट नहीं चाहिए, हमें आपकी वो भेंट नहीं चाहिए जो सड़ेली भेंट है, हमें आपकी वो भेंट नहीं चाहिए कि पाप करते रहो और चढ़ाते रहो। यहाँ पवित्र वचन है, पवित्र भेंट की जरूरत है। जो पवित्र भेंट चढ़ाते हो उसको परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। और जो भी वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे आ सकते, अपनी गवाही दे सकते। कहना चाहता हूँ अपने खाने पीने का जिक्र ना करें और फालतू की चीज़ों का जिक्र ना करें। वो बताएं जो आपके ज़िंदगी में परमेश्वर ने किया है, आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब से आप वचन में जुड़े हैं, जब से आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो परमेश्वर ने क्या क्या आपकी ज़िंदगी में किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई आना चाहते हैं कॉल पर आ सकते हैं। एक कॉल था खुशबू राणा का, वो कॉल कट गया, वो नहीं लग रहा है यहाँ से। और बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, मुझे लगता है आप सुबह तैयार नहीं होते, और तैयार होना तो केवल पास्टर जी का काम है, टाई लगाना, और पास्टर जी का काम है अच्छे कपड़े पहनना सुबह सुबह, क्योंकि उन्हें तो आपको दिखना होता है ना। ये आपका काम नहीं है खुद को संवारना। एक अच्छा मसीही वही है जो परमेश्वर भक्ति में बैठता है। एक एक संसारिक भक्ति करने वाले देखो, वो सज धज के जाता है, अच्छे वस्त्र पहन के खुदा की उपस्थिति में बैठता है, और वो हर प्रयास करता है कि मेरे पैर भी धुले हों, हाथ भी धुले, मुंह भी धुला, बाल भी ठीक हो जाए, और वो तब जाके अपने परमेश्वर के मंदिर में पहुंचता है। मगर हमें चाहिए कि हमें कोई देखे या ना देखे, खुदा में देख रहा, हम अच्छे अच्छे वस्त्रों के साथ हो, ताकि अगर लाइव सेशन में हमें आना पड़ जाए, हमें पर पास्टर के साथ अगुवे के सामने आना पड़ जाए, तो हम किस तरह के वस्त्र पहने, क्या हम नंगापन तो नहीं दिखते हैं? कई लोग बनियान में दिखते हैं, बनियान पहनते हैं, कमीज फिर बाद में मंगा देना, कमीज देना, हम सबको दिख रहे हैं। उस समय क्या होता है, ध्यान नहीं देते, उन्हें ये चीजें पहले होना चाहिए। हालेलुया। मुझे नहीं लगता आप बाइबल में क्या सीख रहे हैं। चार सालों में कई बार लगता है कि मैंने इन लोगों के लिए अपना समय बर्बाद किया जो सीख नहीं रहे उनके लिए, और जो सीख रहे हैं उनका प्रतिफल मुझे मिला है। आमेन। जल्दी से अपनी कॉल उठाएं। राकेश है कोई? राकेश, अब मुझे नाम नहीं बताना पड़ेगा, अपनी कॉल का कोई ध्यान रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम आराधना करेंगे, क्योंकि कॉल कनेक्ट उठा नहीं रहे वो। आइए आराधना करें, अपनी चंगाई को मांगे, अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजना शुरू करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जो लोग अपनी प्रार्थनाओं को भेजना चाहते भेजिए, और जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को दे दिया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर और बढ़ोतरी देता जाए। और ये गुण, ये जो गुण है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। परमेश्वर के गुण आपके जिंदगी में प्रकट होने चाहिए, आप दिखने चाहिए। जब आप दिखेंगे तो आप लोगों के सामने प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, वंस अगेन हालेलुया, वेलकम यू। बासुदी सलाम। देख ले, अभी देख ले, मैं खेतों में बैठा हुआ हूँ, ये मेरे खेत है। तो मैं सारा दिन काम करता रहा, ये मेरा स्पीकर है, इससे सारा दिन आप कलाम सुनता रहा, इतनी बरकत मिली है इतनी। मैं आज जब बंदे ने आपको गाली लिखी है, मैं बताना चाहता हूँ इस मुल्क में
लोगों की जबानें तरह तरह की, मैं अपनी जुबान को ढूंढता हूँ, तरसता हूँ उस जुबान के लिए, मैं तरसता हूँ अपने मुल्क जो पाकिस्तान में। जब पड़े अभी देख लो मुझे पसीना कैसे आया हुआ है, काम कर रहा था ये स्पीकर के साथ, आपकी आवाज बड़ी दूर तक जाती है, 1 एकड़ तक इसकी आवाज जा सकती है, लोगों के घरों में आवाज जाती है जब ये कलाम आप करते हैं। तो मैं सारा दिन, अभी बंद होगी कॉल तो सारा दिन ये नहीं लगे रहते का लगा रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग आपको ऐसा कहते हैं उनके घर में बाइबल भी नहीं है, वो लोग भी अभी कोई 2-3 घंटे हुए मसीही हुए हैं, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, और बताना चाहता हूँ कि जो आपका लीडर है, प्रे लीडर है, पास्टर है, उसकी इतनी की इज्जत करो अपने माँ बाप से भी ज्यादा, क्योंकि खुदा ने उसे चुना, आपने उसे नहीं चुना। तो अगर आप बिल्कुल लोग इस ग्रुप में आए हैं तो आपकी हिम्मत नहीं इसमें आए, खुदा के रूह ने आपको इसमें डाला। मैं लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों के घरों में कलाम ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं किसी चीज का, लेकिन अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला मिला है तो उसकी हमें इतनी इज्जत और कदर करनी चाहिए, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको बता ही नहीं सकता। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, और आपके खेत खलियानों को जब आप मेहनत कर रहे हैं, इससे पता लगता जी है कि जी आप कितने पहले से तैयार होकर के मेहनती हैं। खेत में काम करते हुए भी आपका एक रुझान है, कि काम एक अलग मुद्दा है, मगर मुझे परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं कहना चाहूंगा। आपने बोला कि हमारी मर्जी नहीं थी, खुदा ने अपनी मर्जी से हमें इस प्लेटफॉर्म में डाला कि हम इस जगह पर फिट हो जी जाए, जी फिट हो जाए, ये मेरा उसकी ईमान जगह है, बनाई है परमेश्वर। जी बिल्कुल जी ये बिल्कुल, मेरा ईमान और है, प्रभु ने डाला इस ग्रुप में हमें, आपने या मैंने किसी, आपने किसी को कॉल नहीं किया आज, नहीं, लोगों ने देखा, प्रभु ने उनके दिल में डाला। और अभी आप देख लें मेरी मेहनत की वजह से, ये आपको गर्द नजर आ रहा दूर से, हाँ ये यस इधर का 60 60 हजार रुपए का, 60 हजार रुपए जिसके पास इधर 5 रुपए हो ना जेब में, वो इतना अमीर आदमी है कि आप सोच नहीं सकते। अभी मेरे पास जो है इस घर में 6 फुट पानी आ गया था, लेकिन मैंने आपके अपने कलाम को पढ़ना नहीं छोड़ा, और वो कलाम जब आप इबादत करते हैं, मेरे पास बहुत दुनिया से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इबादत करते हैं, आपका खत्म होगा आगे आगे आगे, सारा दिन मैं ऐसे करता रहा, मेरे पास कोई ऐसा गाना वगैरह, कोई ऐसी चीज, कोई गाली गलौज, कोई ऐसी चीज है नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है सिवाय खुदा के रूह के, लेकिन खुदा ने मुझे अपने किसी मकसद के लिए चुना है। तो अभी ये देखें, गवर्नमेंट ने मेरा काम देख के मुझे ये 60 हजार रुपए में ये बना के दिया, अरे वाह, खुदा का धन्यवाद, ये बहुत बड़ी गवाही और है। ये देखें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वक्त था मैं घर के अंदर कलाम पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रकाश वा डेली पढ़ता हूँ, बाहर लोगों ने मेरे लिए, आज ही मेरी बहुत बड़ी गवाही है, पूरी दुनिया सुन रही है, मैं बाहर लोगों ने कैंचियां, तलवारें, जो चम्मच होते हैं तीखे सलाखों वाले, वो वाले बहुत सारे हथियार हथौड़े रखे हुए थे, ये देख ले मेरे खेत सारे मैंने दोबारा तैयार किए, पानी आ गया था इनमें, अकेला आदमी हूँ। ओके और इधर के लोग मुझे बताते हैं कि इस बंदे के पीछे शायद कोई इंजन लगा है, मैं बताता हूँ नहीं, मेरे पास मेरा खुदा है, मेरा ये यस्सु नाम है, जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ अकेला करता हूँ। और वो जो लोग थे, जब मैं कलाम कर रहा था अंदर बैठा पढ़ रहा था, तो फिर मेरी जो साली थी वो उठी, तो उसने सारा कुछ उधर से उठा लिया, तो खुदा ने मुझे उधर से भी शिफा बख्शी। फिर एक मरतबा फिर लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, 2 टोके हाथ में पकड़े हुए थे, फिर भी जब मैं कलाम पढ़ के फारिग हुआ बाहर आया हूँ, तो ऐसे ही मैंने हाथ ही किया, फिर उस बंदे को कोई दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। 3 मरतबा मेरे मैं पास ऊपर हमला हुआ है, लेकिन क्या कि जब आप कलाम नहीं पढ़ेंगे, आप दुनिया के कभी किसी कोने में सेल्फ नहीं हो सकते। अगर आपको खुदा का खादम इतना कुछ बता रहा है, उसके पीछे चलने की कोशिश करें। मैं तो तरस रहा था बड़ी अरसे से कि कोई खुदा का खादम ऐसा मुझे मिले, तो मैं जितना मैं खुश हूं, मैं आपको मैं बयान नहीं कर सकता आपके आपके बारे में। और हमारी जो सिस्टर है वो भी जब कलाम करती है, तारीफ उनकी, खुदा उनको और आपके पूरे परिवार। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए, ताकि मैं रूह में आगे बढ़ूं, और जितने मैंने पाप किए खुदा मुझे उनसे क्षमा दे, मेहरबानी आप। दुआ करते हैं आंखें बंद करें। बहुत अच्छी गवाही के लिए खुदा का धन्यवाद, और सचमुच जो खेत खलियानों में बहुत बड़ी बात तो यह है कि आप अपने काम के बावजूद भी काम करते हुए परमेश्वर को समय दे रहे हैं। लोग तो कहते हैं हम काम में बिजी हैं, मगर आपने वो रास्ता निकाल रखा कि मेरे पास मार्ग है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वचन सुन सकता हूँ। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ब्रदर,
आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपका अनुग्रह मैं आपके बेटे के लिए मांगता हूँ। मैं मांगता हूँ कि आपने इन्हें अमेरिका में एक बड़ा ये फॉर्म दे रखा है, फार्म दे रखा, फार्म हाउस खुदा, एक घर दे रखा है, खेत खलियान दे रखे परमेश्वर पिता। प्रभु आपने इन्हें आशीषित किया और वहां पर परमेश्वर पिता आपने इनके भूमि पर पैर रखे और वो भूमि अब्राहम की आशीषों के द्वारा आशीषित हुई। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ इनके रुझान के लिए, इनके उस गवाही के लिए प्रभु की है, हर समय खुदा काम करते हुए तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है तेरे वचन के सुनने के कारण तुझ पर आशीर्वाद पूरे होंगे प्रभु, ये बढ़ते जाएं, इनके जीवन बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, और ये और फलवंत हो सके। और परमेश्वर आप इनको सिर बनाए, पूछ नहीं सिर बनाए, इन्हें किसी उधार ना लेना पड़े, फलवंत हो जाए, इनके काम आशीष, इनके परिवार आशीषित हो जाए, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी पास्टर जी, मैं मलेशिया से मुखातिब हूँ आपसे, मलेशिया से। अच्छा मलेशिया, सॉरी मलेशिया में ध्यान, मैं मुझे लगा अमेरिका में, मलेशिया में जहाँ भी है आप आशीषित हो जाओ। और बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके आप खेतों में काम कर रहे हैं, आपके पास खेत भी है वहाँ पे, आपके पास घर भी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा का नूर है, चमकते रहिए, चमकते रहिए और चमकते रहिए, आमीन। खुदा आपके साथ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, हालेलुया। बड़ी जबरदस्त गवाही हमारा परमेश्वर देता है, वो कुछ भी नहीं होते उन्हें कुछ बना देता है। आज भाई कह रहे कि सब कुछ मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, जो भी मेरे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, इसीलिए खुदावन की तारीफ कर रहे हैं वो लोग। गवाही देने वाले अलग ही लोग रहते हैं, अपने लिए रास्ते खोल रहे हैं वो लोग, रास्ते खोल रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुदावन की स्तुति करते हैं, हालेलुया, तेरी स्तुति करूंगा प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा, तेरी मंडली में यीशु, तेरी आत्मा में मैं गाता रहूंगा सदा, मैं गाता रहूंगा सदा। सब जन जितने भी लोग हैं एक बार मेरे साथ प्रभु की महिमा करें, तेरी स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा, तेरी मंडली में यीशु, तेरी आत्मा में मैं गाता रहूंगा सदा, मैं गाता रहूंगा सदा, हा 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 हा, हालेलुया, हा 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 हा, हालेलुया, हा 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 हा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक नाम के लिए दुआ करते हैं, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिनके काम बने नहीं है प्रभु, आज से उनके काम बन नहीं पाए, और जिस भाई ने गवाही दी उनके खेत खलियान पर आपकी आशीष हो प्रभु, हर एक भाई पर आपकी आशीष हो खुदा, जो इतना बड़ा अवसर दिया परमेश्वर पिता कि तेरे बेटे ने एक बहुत ही गंभीर बात बोली, अच्छी बात बोली, सच्ची बात बोली है कि हमारी मर्जी नहीं थी, हम तो आते ही नहीं थे प्रभु के पास, हम तो आए ही नहीं थे, हमारी मजबूरी थी कि हमें शैतान मार रहा था, इसीलिए आए बचने के लिए, हम बीमार थे चंगे होने के लिए, हम तो आए ही नहीं थे प्रभु, मगर खुदा आपने इस प्लेटफॉर्म में हमें डाला है, आपको पता है हमें कहाँ फिट करना है प्रभु जी, इसलिए डाला कि हमें आप फिट हो जाए, हालेलुया, और अपने जीवन की अपनी खुद की इच्छाओं को मार करके प्रभु तेरी इच्छा में जीवित रह सके प्रभु, और तेरी इच्छा हमारे लिए भली है खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, सभी को आशीष दे प्रभु जितने सुनने वाले हैं, मुझे प्रार्थनाओं की आवश्यकता को कॉल करके अपनी प्रार्थनाओं को ले सके, पिता परमेश्वर ऐसा उन्हें सबर दे, ऐसी हिम्मत और ताकत दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, और कल सुबह 4:30 बजे, सुबह 4 बजे मिलेंगे, मैं समझ आऊंगा, 4:30 नहीं 4 बजे मिलेंगे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, और खुदावन आपको आशीष दे, मैं चाहूँगा आपकी बरकतें बढ़ती रहें और आशीषित हो जाओ, हालेलुया, राजीव जी आशीषित हो जाओ, सैला सोहेल जी आशीषित हो जाओ, फूल कुमारी आशीषित हो, रेजिना जी हालेलुया, आप सभी सैलन मिस्त्री, सोनी टिग्गा, मलकीत जी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी
ब्लेसिंगों का हिस्सा, एक हिस्सा ब्लेसिंग का हिस्सा है, जो वो हिस्सा है वो है आपके बेटे। आप हर एक जन अपने बेटों को निकालें, अपने बेटों को निकालें और खुदा के भवन में ईमानदारी से एक खुशी के साथ गए कि मैं खुदा की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे तोड़े दिए, मुझे टैलेंट दिया है, मुझे परमेश्वर ब्लेसिंग किया है और खुदा की मैं भरपूरी से आशीष जो है मुझे मिली उससे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ पंजाब में हमारा भवन बन रहा है और हमारी टीम कल यहाँ से पंजाब जा रही है और वहाँ पर सेकंड फ्लोर पूरा हो गया, लगभग परसों उसका लेंटर मिल जाएगा सेकंड का भी। और मैं चाहूँगा अपने बीजों को ना रोकें, अगर आप रोकेंगे और जिस समय उसे बोना चाहिए उस समय नहीं बोएंगे, फिर बाद में बोएंगे, उसका कोई फायदे नहीं, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हदियों में, हम अपने उठाने के बेटों में ईमानदार रहें, हदियों में ईमानदार रहें और जब हम हमारे ईमान को खुदा देखेगा, हमारी वफादारी को खुदा देखेगा, हमारी परस्तिस को खुदा देखेगा तो परमेश्वर उस पर ब्लेसिंग भी बरसाएगा। आमीन। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, अपने अपने ब्लेसिंगों को हिस्सेदार बनाया है, अपने अपने बीजों को बोया है और वो फसल काटने के लिए अपने हसियों को तैयार कर लें। जैसे अभी खेत देखा भाई, खेत में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके यहाँ फसल उग रही है, वो उसे निराई गुड़ाई कर रहे हैं। तो आप अपने बीज को, वो उन्होंने बीज को निराई गुड़ाई गुड़ाई कर रहे हैं तो वो फसल काटेंगे भी, थोड़े समय में आएंगे। पानी भर गया था, उन्होंने अपने खेत का बाड़ा हटा के फिर से पानी निकाला, फिर बाड़ा बना रहे हैं, फिर उसमें खेत लगा रहे हैं, फिर उसमें बीज लगा रहे हैं और फिर से फसल पाएंगे, खुशहाली फिर से लौट रहे हैं, पसीना तो बाहर है मगर उस पसीना भूल जाएंगे जब उनके पास ज्यादा आएगा। हालेलुया। मैं वही कह रहा हूँ, आपके पसीने की जो वो है मेहनत है, आप उसे भूल जाएंगे, आपके दर्द खत्म होंगे, आपकी बीमारियां खत्म होंगी, आपकी पीड़ाएं खत्म होंगी जब आप खुशी से प्रभु के सामने आते हैं। तो खुशी से आते हैं, हाँ प्रभु मैं पीछे रह गया था, मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं करूंगा, मुझे करना है। और जब परमेश्वर आपकी इस आवाज को सुनता है तो मुझे करना है, सचमुच में परमेश्वर अपने दूतों को कहता है पहले इसकी बात पूरी करो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करना, अपने बीजों को बोए और जिन लोगों ने कल भी प्रॉमिस किया था उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं भेजा है वो अपना व्हाट्सएप पे कमेंट्स भेजें ताकि हम उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकें। हमारा नंबर 9582451810 है और ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। सेकंड नंबर, इस पे कॉल भी है, नॉर्मल कॉल करें इंडिया के लोग, और जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं वो ऑडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। राजीव जी हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल कीजिए, प्रेयर सेंटर में बहुत सारे दास और दासी हैं और कॉल करके प्रार्थना लेते रहें। हालेलुया। और आप खुश हैं मेरे विश्वास से कि आपकी खुशी और दुगनी हो जाए, परमेश्वर आपको आपके परिवार को और ब्लेस करे। और आज सैटरडे है और कल संडे, 2 दिन हमारी लाइनें बंद रहती है मगर आप अपनी प्रेयर लिख के भेज सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। यदि आप बीज बोना चाहते हैं, सीड बोना चाहते हैं खुदा की महिमा में और आप परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो आप अपने सीड को बोएं। आप अपने हमारे पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पर हमारा बार कोड है जिसे आप गूगल पे से, पेटीएम से, पे फोन से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना सीड अभी भी बो सकते हैं, कभी भी बो सकते हैं और प्रभु की महिमा हो। भवन के लिए दुआ करना है कि भवन जल्दी से तैयार हो, दुआ करिए कि हमें फर्नीचर की आवश्यकता है, दुआ करिए कि हमें सरिए की जरूरत है, दुआ करिए हमें सीमेंट की जरूरत है, हमें बिल्डिंग मटेरियल जो है हमें उसकी आवश्यकता है, बहुत ही अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि खुदा का भवन बने, हम चाहते हैं कि वहाँ दूर दूर के लोग आए। और परमेश्वर ने कुछ भेड़ों को देखिए ध्यान से सुनिए, भाई ने अभी जो गवाही दे रहे थे उन्होंने एक बात बोली है कि खुदा की मर्जी हमें यहाँ लेके आई है। तो जो भवन बन रहा है उसमें खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी से लोग वहां पर आएंगे, वो लोग होंगे जो अपने जीवन में आज तक भी प्रभु को नहीं जान पाए, आज तक भी प्रभु की महिमा नहीं कर पाए, जिन्हें जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता है, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, जिनकी रूहें बचाई जानी है, जिनकी सोल बचाई जानी है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसमें दरवाजा फिट करें, आप उसके लिए मेहनत करें, दुआ करें कि वो बने और हम सब अपना मुट्ठी उसमें खोलें ताकि हमारा भी एक हिस्सा हो, हम भी कह सके हम भी परमेश्वर के भवन बनाए हैं, हम भी परमेश्वर भवन में सहभागी हुए हैं और परमेश्वर आपकी मेहनत का हिस्सा आप आशीष करके दे। हालेलुया। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इसको, इसे लागू करना ना लागू करना आपके हाथ में है, आप इसे कितना अपने व्यवहार में लाएंगे ये आपके हाथ में है, मगर मैं कहना चाहता हूँ हर एक को अवसर मिल जाए,
ये ना कहें कि परमेश्वर दास हमें तो अवसर मिले नहीं, हमें बताए नहीं हम कैसे बोए कैसे करें। हम कहना चाहते हैं आपको अवसर मिल रहा है कि आप खुदा के भवन में काम कर सकते हैं, खुदा के भवन में आप बीज बो सकते हैं। आने वाले समय में बहुत सारे बड़े चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि शायद आपको नहीं, मुझे खुदा ने दर्शन दिया है, मैंने उसकी आवाज अपने कान से सुनी है और मुझे पता है कि वो पूरा करके रहेगा। हालेलुया। कितने गाली देने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने कुछ भी करने वाले, कोई मारने वाले आ जाए एक दिन वो भी मर जाएंगे। मारने वाला आएगा, एक आदमी मार सकता है, मगर उसे इस बात का चिताना जरूरी है कि वो भी एक दिन मरेगा, और जो पहले मरा था वो ऊपर चढ़ा खुदा से शिकायत करेगा। जब ये खुदा के पास जाएगा मर के, वहां उसे देख लेगा वो, वहां उससे निपट लेगा वो। हालेलुया। क्योंकि फेवर जो अनकंडीशनल फेवर है वो परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जो अनकंडीशनल लव है जो खुदा से हमें मिला, परमेश्वर से हमें मिला, रब से हमें मिला, उस अनकंडीशनल प्रेम को हमें भी दिखाना है। परमेश्वर ने आपको कैसे प्रेम दिखाया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अब कैसे बचे आप, जब ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई विश्वास करे कि परमेश्वर ने मेरा इंतजाम कर दिया, वो नाश नहीं होगा, वो आनंद जीवन पाएगा। आमीन। अब यही है, हम कैसे प्रेम दिखाएं, हम कैसे परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाएं, उसके काम करके, बीज बो करके, पवित्रता में चल करके, दूसरों की हेल्प करके, शत्रु को माफ करके, गिरते हुए को उठा के, नंगे पैर घूमने वालों चप्पल पहना के, है ना, ऐसे तो दिखाएंगे। यीशु मसीह क्या कर, जब मैं भूखा था खाना नहीं खिला, कौन थे वो लोग जिन्होंने किसी पर ध्यान ही नहीं दिया, मगर एक जगह कहते मैं उस समय अपने लोगों से कहूंगा मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, कहते प्रभु हमें तुम्हें दे दिखाई नहीं, अरे नहीं नहीं उस बच्चे को खाने खिला रहा था वो मैं ही तो था, उसे खिलाया मुझे तो खिलाया। आमीन। वो घर बना रहा था ना, वो भवन बन रहा था, उसमें तू ये स्वर्ग में घर जो बना रहा ना यही बना रहा था तू। हालेलुया। तो खुदा आपको ब्लेस करे, आपके बीजों को ब्लेस करे, जिन्होंने अपना मन खोला बनाया है, अपना मन बनाया, तो आप इस समय चंचल में आपके कमेंट्स मुझे ना यहाँ से इरिटेट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कोई कमेंट नहीं करना, अगर आप एक अगुवे की बात नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ सुधर जाओ। अगर आपको सॉरी लग रहा है तो आपको अंदर फील होना चाहिए, मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो बहुत सारे लोग गाली भी दे देते, कोई सॉरी बोलता, वो नहीं बोलते ना, अगर परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका 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 यहाँ से कड़कना होना चाहिए, आपका रोना यहाँ से होना चाहिए। जब कोई खास बात चल रही हो तब भी आपका कमेंट्स आता है, ध्यान उधर चला जाता है, आप डिस्टर्ब करते हो, आप जैसे जैसे कि आप आराधना में बैठे हैं, आराधना बहुत अच्छी, आपके फोन में मैसेज आ गया, क्या कर दिया आपको, आगे कर आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप आराधना कर रहे हैं, आपको किसी ने कॉल आ, किसी भाई ने कॉल कर दिया, आपको डिस्टर्ब कर दिया। शैतान ने उन्हें लगा रखा है एजेंटों को, शैतान ने कई एजेंटों को यहाँ भी लगा रखा कि वो डिस्टर्ब करेंगे करेंगे। उसका काम मत करिए, खुदा का काम करिए, अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए, मत सौंपिए अपने आप को शैतान के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं तो आपको बता भी रहा हूँ, कल हो सकता है मैं ना रहूँ, हो सकता है मेरा प्राण आज उठा लिया जाए और कल मैं ना मिलूँ, आपको समझाने वाला दूसरा और कोई नहीं मिलेगा ऐसा। और मैं इसे खुशी से कह रहा हूँ, मुझे दुख नहीं, मैं आज चला जाऊंगा, मुझे तो खुशी है, मैं तो चाहता हूँ प्रभु अभी आ जाए, अभी लेकर चला जाए, इस पसीने से, इस मेहनत से, इस हाहाकार से, इस महामारी से, इस बीमारी से, इस टेंशन से, इस डिप्रेशन जो संसार में मिलती है उससे पीछा छूट जाएगा और परमेश्वर साथ आनंद में रहेंगे। आमीन। और जो संसार में रहने की कोशिश कर, संसार में फंसे हुए हैं, वो तो कहते हैं हमें टाइम पास थे, हम ऐसे फंस गए, ऐसे फंस गए, अब क्या करें, अब बच्चे की शादी की थी, अब बहू आ गई, बहू ने लड़ाई कर दी, अब केस में फंस गए, पहले बच्चे की शादी में फंसे थे, अब केस में फंस गए, अब जैसे केस से छुटकारा हुआ, अब जो नाती पोते थे उनमें फंस गए, अब उनसे छुटकारा हुआ, अब किसी और में फंस गए, अब हम कर्जे में फंस गए, अब इसमें फंस गए, लोग फंस रहे हैं और लोग फंस रहे हैं। निकलने का रास्ता होली स्पिरिट है, निकलने का रास्ता ओनली वन वे जीसस से, वो क्या कहते हैं, मार्ग में हूं, आई एम द वे,
मैं रास्ता हूं। आपको रास्ते नहीं मिले, आप खुद अपना जीवन किसी को दिखा के आराधना करने की जरूरत नहीं है। तेजपाल भाई को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं सॉरी बोल दिया था। अरे आप खुद खुदा के भवन में जाइए, खुद बैठिए अपने घर में, बैठिए अपनी चारपाई पर बैठिए, रोइए विलाप करिए उसके सामने, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती है। आप अपने अपराधों को किसी से कह के समा नहीं करा सकते। आप अपने अपराधों के लिए जब अपने बिस्तर पे बैठे, दाऊद कहता मैं अपने रात भर बिस्तर भिगो देता हूँ बिछोना, इससे वो रोता था आंसू बहाता था। आप सब लोग जितने जहां भी हैं, चाहे आप भाई ने बता देखो कितने दूर से कॉल कर रहे थे, है ना, और आप अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों से, यही तो सुंदरता है, परमेश्वर हर जगह के लोगों को चुनता है। आप अपनी अपनी जगहों पर यदि हम अपने अपने गुनाहों को मान के माफी में आ जाते हैं तो आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता फिर। आमीन। और रही मिलने की बात, तो परमेश्वर चाहेगा मिलाएगा आप लोगों से, अगर परमेश्वर की इच्छा है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको जेनवन वो जमीनी स्तर की बातें बोल रहा हूँ, जो जमीनी, जो आपकी लाइफ में कोई और लेके नहीं, आपके आपके परिवार आपको झिड़कते हैं, आपके दोस्त आपसे मुंह फेर लेते हैं, आपके रिश्तेदार मुंह इसलिए फेर लेते हैं भाई वो बंदा आ रहा पैसे ना मांग ले, मगर आपके अगवे कभी आपसे मुंह नहीं फेरते। आप 10 दिन कॉल ना करो, आप 1 महीने में कॉल करते फिर भी आपके सुनते हैं, आप बीज ना बो तब भी आपके सुनते हैं, आप उनके साथ रहो तब भी आपके सुनते हैं, आप उन्हें गालियां दे लो तब भी आपके सुनते हैं, आप उन्हें बुरा बोल दो तब भी आपके सुनते हैं। आप समझते हैं कितना झेलते हैं वो। और जो दुष्टात्माएं आपके अंदर से निकलती हैं वो फिर अगुओं का पीछा करती हैं। इस बंदे को देखो, इस बंदे ने निकाला हमें, इस बंदे ने इस बंदे को, उसके ऊपर हमला करती है। आपको पता कितने स्पिरिचुअल वॉरफेयर, कितने स्पिरिचुअल युद्ध लड़ने पड़ते हैं, कितने एक आत्मिक अगुवे को कितनी दुष्टात्माओं के द्वारा घात होना पड़ता है। अब्राहम और इजहाक को जब देखेंगे आप, नूह को देखेंगे उनके, और आप लूत को देखेंगे उनके, मन बड़े पीड़ा से भरते थे लोगों को देख करके, लोग उन्हें बावला बोलते थे, लोग पागल बोलते थे, वो ये नूह तो पागल हो गया, क्यों ये जहाज बना रहा, बारिश थोड़ी होती, इतना बड़ा जहाज कौन चलाएगा, पागल समझते थे। अगर एक समय परमेश्वर देखा ये पागल नहीं है, तुम पागल हो, परमेश्वर ने उन लोगों को दिखाया था कि तुम पागल हो, ये तो बुद्धिमान है, इसने मेरी आवाज सुनी, इसलिए परमेश्वर भेड़ बनो, भेड़िया नहीं बनना है, इसलिए परमेश्वर दास बनो, गुलाम नहीं बनना किसी के, दास ही बनो। अगर कुछ करना ही है तो अपनी मुट्ठी खोल के बोलो ना, अगर वास्तव में ही आप कुछ करना चाहते हैं, सच में ही आपका मन में बहुत बड़ा रुझान है, यदि सच में जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो मुट्ठी खोलो, बो दो परमेश्वर के भवन में, वो अच्छा वो आगे भवन बने, आप आगे दिखने चाहिए, आप सबसे आगे दिखने चाहिए कि पास्टर जी मैं भेज रहा हूँ, मैंने इतना भेज रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। परमेश्वर के प्रति कोई रुझान नहीं, और फाइट के प्रति बहुत है, संसार के प्रति बहुत है, खाने पीने पर बहुत है, कपड़ों पर बहुत है। बोले पास्टर जी आप भी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अच्छा सा बैठ के आपको दिखूँ खुशी, अगर तुम्हारा पास्टर फटे हाल में दिखेगा तुम्हारे फटे हाल ज्यादा जल्दी हो जाएंगे। जिस कलीसिया का पास्टर गरीब है उसकी कलीसिया गरीब है, जिस कलीसिया का पास्टर अच्छे से रहता है वो अच्छे से दुआ करता भी ना टेंशन, उसकी कलीसिया भी अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि उसकी कलीसिया के लोग अपना बीज बोते हैं हमेशा। आप में से कितने लोग हैं, कितनी बार 20 बार बोलो, 30 बार बोल दो, 40 बार बोल दो, मगर मजा लो, उन्होंने एक माइंड सेट कर रखा मैं बोला नहीं, कुछ भी बोलो वो बोलते ही नहीं है, फंसे हुए हैं संसार में, फंस गए दवाइयों में, फंस गए बीमारियों में, फंस रहे, ये चेक कराओ वो चेकअप कराओ, ये एक्सरे कराओ वो करवा दो, ये करवा दो, सब कुछ करते रहते हैं। करो, जहां आपका धन है वही आपका मन है। हालेलुया। जहां आपका धन है वही आपका मन। अपने आप को जांचो कि तुम्हारा धन कहाँ पर है, सचमुच तुम सेवा करना चाहते हो या फिर संसार में ऐसे ही, या ऐसे लारा लिपि में है, या आप गोली दे रहे परमेश्वर को, ऐसे भीड़ का एक हिस्सा बन गए, या फिर चेले हैं सचमुच के, सचमुच के चेले तो क्रूस उठा के चलते थे, सचमुच के चेले काम करते थे, सचमुच के चेले अपना बीज बोते थे, सचमुच के चेले रोटी खरीद के लाते थे यीशु मसीह के लिए, सचमुच के चेले जब यीशु मसीह कहते मछली पकड़ के ला टैक्स भर के, वो मछली पकड़ने चले जाते थे, सचमुच के चेले को बुलाते थे चर्च में आना, आते थे। आजकल के चेले सचमुच वाले नहीं है। तो अगर ये चीज है हमारी जिंदगी में, काम कामों से हमें हालेलुया से पता लग रहा है कि हम प्रभु के हैं, हालेलुया से क्या पता लग रहा हम प्रभु के हैं, मगर हमारे कामों से क्या पता हम प्रभु के हैं ही नहीं।
लोग है प्रभु के, 4-5 लोग जिन्होंने बीज बोया वही है ना प्रभु के पास, उन्हीं के लिए बन, भवन तो उन्हीं के लिए बन रहा ना, अकेलों के लिए उन्हीं को दिया था दर्शन परमेश्वर ने कि वही भवन बनाएंगे, वही बीज बोएंगे, बाकी आपका क्या, क्या आपके जहन में आपके चित्त में परमेश्वर ने नहीं डाला कि तुम भी खुदा का काम करो, क्या आपके जहन में परमेश्वर ने नहीं डालता कि आपको भी भलाई करनी है, आपको भी सीड बोना है, आपको भी 10 मास बोना है, और आपको परमेश्वर के भवन की भेंटे खाने का किसने अधिकार दे दिया, 10 मास खाने का किसने अधिकार दे दिया, अगर कोई खाता है वो श्रापित हो जाता है। आप पढ़ते हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे पास मेरी बाइबल है और जो उसमें लिखा वो मेरे लिए लिखा। नबूकदनेस्सर राजा ने वो गलती करी थी जो आप करते हैं, उसने क्या किया था, परमेश्वर के बर्तनों में खाना खाया था, उसमें शराब पी, उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया, उसके याजक, याजक के जो जो याजक ही छेड़ सकते थे उसको, उन्हें दिया, उन्हें छुआ, परमेश्वर ने उसको क्रोधित किया, उसका राज बना नहीं रहा, फिर लुट लुट पिट गया वो, उन्हें क्या किया उनके बर्तनों में खाया पिया जो अशुद्ध कर दिया उसके बर्तन। आप जब भेंटों को खा जाते हैं जो केवल याजक खाते थे, उन्हें खा जाते हो आप, टाइट खा जाते हो आप, 10 मास खा जाते हो, उठाने के बेटे, धन्यवाद के बेटे, सब खा जाते हो, और फिर जाते हैं बहुत तू पवित्र पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ, कहाँ से पवित्र है भाई, पहले अपनी भेंट तो दिखा, कहा तेरी चोरी करके बैठा हुआ है उदास करोती की तरह, और फिर कहते कि मैं पवित्र हूँ, मन में करप्शन चल रहा है, एक एक अन्य जाति लोग चोरी कर रहे चलता है, समझ में आता है कि वो चोरी कर रहे हैं, एक मसीह चोरी कर रहा है वो कहाँ तक समझ में आता है, एक एक अन्य जाति धोखा कर रहा समझ में आता है क्या, वो धोखा इसलिए कर, उसे रास्ता नहीं पता, वो धोखा इसलिए कर रहा है कि उसे ज्ञान नहीं है, उसे सिखाया नहीं किसी ने अच्छी बातें, या फिर वो अपाहिज हो गया आत्मा में, इसलिए हो गया, वो चाहता तो है निकलना पर निकलने का रास्ता नहीं दिया गया, मगर एक व्यक्ति जो रास्ता पता है वो फिर भी चोरी कर रहा, फिर भी गलत काम कर रहा, फिर भी विचार कर रहा, और फिर कहता मैंने क्या करा, फिर कहता पता नहीं ये मेरे साथ दुष्ट आत्मा क्यों काम कर रही है, ये इसीलिए कर रही है कि आपका मन परमेश्वर के सामने नहीं खुल रहा है, और मैं इसलिए वो गवाही दी कि उस भाई का मन परमेश्वर सामने खुला, उसी समय ठीक हो गया, नहीं तो रात को दुष्टात्मा उसके साथ बेड पे आकर उसके साथ सेक्स करती है, उसे कोई लड़की दिखती है उसे, उसे लगता है ये मेरी पत्नी है, मगर वो पत्नी नहीं, तो दुष्टात्मा उसके साथ व्यभिचार करके चली जाती है, और उसकी आत्मा देह सब करप्ट हो जाती है, और प्रभु सामने प्रभु का नहीं रहता वो। कितने लोगों के साथ दुष्टात्मा सोती है रात को आपको मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें डरावने सपने आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रात को भूत दिखते हैं, मगर परमेश्वर से थोड़ी डर, भूत से तो डरते हैं लोग, फिर भागते तांत्रिक, तांत्रिक 50,000 के अभी लो जी पर ठीक कर दो, कुछ भी कर दो मुझे बचा लो, आए तो बमच जाती है, प्रभु के दास की क्या औकात आपके सामने, क्या औकात रखते हैं, सच बताएं तो परमेश्वर के दास जो है ना जगत में खुरचन है, खुरचन बर्तनों में जो खुरचती ना बहने, जब खाना खा लेते वो झूठन सूटन, जब कढ़ाई जल जाती है, कड़ाके जल जाती है, बर्तन जल जाते हैं, उसमें से कुरच के जो बाहर फेंके जाते हैं वो परमेश्वर के दास है जगत में, उनका ये आदर है, उनका ये सम्मान छोड़ रखा लोगों ने। आज मैं आपको इसी खरी बात से बता रहा हूँ, और ये आपके लिए डांट और फटकार है, कितने लोग हैं जो परमेश्वर आदर है, हाँ पास्टर जी, और वो कब दुआ कराएंगे, अपने आपके सुख का हिस्सा पास्टर है ही नहीं है, आपके सुखों में आप परमेश्वर के दासों को शामिल करते ही नहीं है, आपके दुखों के हिस्से में जरूर आपको उन्हें शामिल करते हो, पास्टर जी ये हो गया, अरे भाई ये नहीं हुआ था तब कहाँ था, जब तक तेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ तब तक कहाँ था, तब पास्टर याद नहीं आया, तब अगले याद नहीं आए, मगर कब याद आ रहे, जब शैतान ने डंडा मारा, जब शैतान घर में घुस आया, जब बच्चा दारू पी के घर में आया, जब पति ने दारू पी के आके पत्नी को खूब पकड़ के पीट दिया, जब घर में गालियां शुरू हो गई, जब घर का व्यवहार बिगड़ गया, तब जाके पास्टर जी ये हो गया, अब क्या वो बोझ में खुद दब गए, अब ये सारा बोझ जो हमारा था हमने पादरी साहब के कांधे पे रख दिया जाके, अब भाई साहब तुम कर दो, भाई साहब ये कर दो, भाई साहब वो कर दो, तब क्या होता है, अब ऐसे लोग मौसमी लोग हैं, मौसम के अनुसार बदलने वाले, मौसम के अनुसार वो समस्याओं में पड़ते भी हैं, क्योंकि मौसम इस बात का भी ध्यान रखे, अगर मौसम के अनुसार एक पेड़ में पत्ते आते हैं लगते हैं हरियाली भी लाते हैं, तो ध्यान रखे एक मौसम ऐसा भी आता है जिसमें पतझड़ आता है, और पतझड़ सारे पत्तों को झाड़ के चला जाता है, गंजा कर देता है पेड़ को, तो एक ऐसी भी शक्ति है संसार में जो आपको गंजा कर देगी, आपके तन से, आपके मन से, आपके धन से गंजा कर देगी, कंगाल कर देती वह दुष्ट आत्माएं, वह शैतान का आत्मा, वह डेवल आत्मा, और जब आप परमेश्वर पास नहीं है आप पतझड़ के मौसम में है, जब आप भजन सहित एक को देखते हैं लिखा वो व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला,
एक व्यक्ति परमे वचन से प्रसन्न रहने वाला। अभी हमने खेत देखा, भाई का देखा, खेत देखा, खेत में काम करे, हरियाली दिख रही, बहुत अच्छा लगा। उस हरियाली के बीच में अगर क्यों नहीं रहेगी ब्लेसिंग, क्यों नहीं रहेगी ब्लेसिंग? जो बंदा काम करते हुए प्रभु की आराधना कर रहा है, जो व्यक्ति काम करते हुए भी परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। हम तो कहते रोटी बनानी थी, रोटी बनाते हुए आवाज को किसने रोका? आप स्पीकर ऑन करके लगा सकते हैं, आप मोबाइल चालू करके लगा सकते हैं, काम करते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। शकल थोड़ी देखनी है कि कौन सा बंदा बैठा सुंदर है। कुछ लोग शकल देख करके ग्रुप में जुड़ते हैं, ये पास्टर अच्छा लगता है देखने में, उसके साथ जुड़ जाते हैं, देखने में अच्छा लगता है, जी काम हो या ना हो, ये आदमी बहुत अच्छा लगता है, ये बहन बहुत अच्छी लग रही है। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? तुम देखी हुई बातों पर विश्वास करते हो, धन्य वो जो बिना देखे विश्वास करता है। मैं आपको कहना, मेरी सूरत में मत जाइए, सीरत पे जाइए, सीरत। कुछ लोग देखते हैं, अरे ये तो वही वाला पास्टर है, निकल लेते हैं। सूरत देख के चले, सीरत देख के चलिए, सीरत देख के चलना चाहिए। परमेश्वर ब्लेस करता है उन लोगों जिनके मन अच्छे हैं। जिन्होंने गंदे थे मगर परमेश्वर पास आए, प्रभु हम गंदे हमें धो दे, हमें पवित्र कर दे, हमें सीधा कर दे, हमें सिंपल बना, हमें साधारण बना पर अच्छा बना, सिंपल सोवर जो एकदम मन भाव हो जाए ऐसा बना दे प्रभु। ज्यादा चमक दमक नहीं पर फिर भी सुंदर दिखते, ज्यादा लीपा पोती नहीं फेस पे फिर भी सुंदर दिखते, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं पहनते फिर भी सुंदर दिखते हैं। ये कहाँ से आता है? परमेश्वर देता है क्वालिटी, क्वालिटी। जो गवाहियां आज शेयर की गई हैं उनको सुनिए। आमीन। कल सुबह 4 बजे मिलेंगे, और जो देर से जुड़े हैं मैं चाहूंगा वो फिर से सुने इसे पूरे वीडियो को, और जो आज ही जो लोग अपने आप में अस्वस्थ करते हैं पास्टरों को भी, अगुओं को भी, अपने कमेंट्स उल्टे सीधे डालते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि उस सुधर जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। मंडे लाइन खुल जाएगी हमारी, मंडे से आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप अपना बीज बोना चाहते हैं तो हमारे ऑसम ग्रेस्टर्स में आप बो सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और यदि आपको हमारा लिंक चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस का टेलीग्राम है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं आप सर्च करेंगे टेलीग्राम, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें ऑसम ग्रेस सर्च करना पड़ेगा, जब ढूंढ लेंगे उसे क्लिक करेंगे ज्वाइन अस आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसके प्रोफाइल पर जाएंगे वहाँ और लोगों को जोड़ सकते हैं। आपको कमेंट्स, आपको सारे रास्ते दिए परमेश्वर, आप ये नहीं बोल सकते मैं कोई रास्ता नहीं मिला है। आप बीज बोना चाहते हैं, मैं अपना नाम अपनी जगह लिख के भेज दीजिए कि हम बीज बोना चाहते हैं। आपको अकाउंट नंबर चाहिए वो आपको मिल जाएगा, आपको बार कोड चाहिए वो आपको मिल जाएगा, मगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करके भी दिखें, परमेश्वर देखे कि कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और बढ़ाए, और बढ़ते जाए, और अनुग्रह बढ़ते जाए, जो पवित्र आत्मा मिला है उसमें और परिपक्व हो जाए। और रही एलिया और एलिशा की बात, वो हम बाद में करेंगे। गॉड ब्लेस यू।